दैट इज रिग्रेशन का पार्ट टू, ठीक है। मजीद उसकी कुछ चीजें, कुछ साइंस, कुछ इन डेप्थ कॉन्सेप्ट को हम जो है ना अंडरस्टैंड करेंगे। आज का एजेंडा हमारा क्या है कि क्विक रिव्यू ऑफ सिंपल लीनियर रिग्रेशन, जिसको मैंने प्यार से क्या नाम रखा है, SLR। मल्टीपल लीनियर रिग्रेशन को भी देखेंगे, लास्ट टाइम भी मैंने आपको थोड़ा सा बताया था, वो भी देखेंगे। MLR के पैरामीटर एस्टिमेशन, SLR MLR के दरमियान का फर्क, मॉडल वैलिडेशन, मॉडल ऑप्टिमाइजेशन, पैरामीटर एस्टिमेशन, गुडनेस ऑफ फिट की सम टर्मिनोलॉजीज चेक करेंगे। SLR की कुछ अजम्पशंस हैं कि जब भी हमने सिंपल लीनियर रिग्रेशन हमने अप्लाई करना हो तो देयर आर सर्टन प्री कंडीशंस या प्री अजम्पशंस दैट शुड बी इन आवर माइंड टू सिलेक्ट लीनियर रिग्रेशन मॉडल टू गेट फिट ऑन आवर डेटा सेट, ठीक है। और उसके बाद हम स्टार्ट कर रहे हैं अपनी इम्प्लीमेंटेशन का फेज। रिव्यू में वही बात है कि हमारे पास जो है वो कुछ मेजर रिक्वायरमेंट्स हैं जब भी हमने अपना कोई भी मॉडल जो है वो सिलेक्ट करना हो, ठीक है। सबसे पहले क्या है, हमने पढ़ा सुपरवाइज लर्निंग, हमने पढ़ा रिग्रेशन क्लासिफिकेशन, ठीक है। हमने लीनियर रिग्रेशन, हमने मल्टीपल रिग्रेशन, रिग्रेशन का हमने इंट्रो पढ़ा, व्हाट इज रिग्रेशन, ठीक है। फिर उसके बाद लीनियर, सिंपल लीनियर के ऊपर हमने अच्छी खासी डिस्कशन की। तो ये दैट वाज ऑल अबाउट आवर प्रीवियस वर्क। फिर आगे थोड़ा सा मजीद रिव्यू में कि हमारा जो मेजर काम है, फॉर फर्स्ट हमारी जो मेन टारगेट है दैट इज डेटा एक्विजिशन, ठीक है। हम यहाँ पे सपोज ये कर रहे हैं कि हम जो डेटा की प्रोसेसिंग है वो कर चुके हैं। क्यों? क्योंकि डेटा प्रोसेसिंग यानी कि डेटा प्री प्रोसेसिंग हमारा जो है वो एक अलग से जो है वो पूरा फेज है। और मैं आपको बता चुकी हूँ पिछले लेक्चर में, मैंने पढ़ा था कि प्री प्रोसेसिंग इज व्हाट प्री मीन्स पहले, ठीक है। जब भी आपने डेटा को यूज करना होता है तो हमें उसको कुछ प्री प्रोसेस करना होता है, अपने मॉडल के लिए उसको तैयार करना होता है, ठीक है। जैसे प्री इंजीनियरिंग, प्री मेडिकल, याद है आपको, आप करते होते हैं इंटर में, जब भी आपने मेडिकल की फील्ड को परस्यू करना है या इंजीनियरिंग की फील्ड को परस्यू करना है तो उससे पहले आप प्री करते हैं काम। तो प्री प्रोसेसिंग इज डेटा प्री प्रोसेसिंग, ठीक है। अब हमने यहाँ सपोज किया कि जो हमने डेटा एक्वायर किया है अभी फॉर द पॉइंट ऑफ टाइम, ठीक है, कि हमने उसे प्री प्रोसेस कर लिया। देन उसके बाद अब आपने क्या है, उस डेटा के ऊपर अपने मॉडल को फिट करना है, ठीक है। इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे हम फॉर्मली कह रहे हैं कि हम मशीन को लर्न करवा रहे हैं, ठीक है। हम एक ऐसा मैथमेटिकल फॉर्मूला जो है वो एडजस्ट करने की कोशिश कर रहे हैं जो कि हमारे इंडिपेंडेंट वेरिएबल की वैल्यू को लेगा और एज ए आउटपुट हमें डिपेंडेंट वेरिएबल की वैल्यू को जो है हमें आउटपुट करेगा या हमें फ्यूचर में वेरिएबल की वैल्यू प्रिडिक्ट करके देगा, ठीक है। इनपुट टू आउटपुट मैपिंग। देन उसके बाद हमने मुख्तलिफ बातें की हैं कि जो रिग्रेशन का मॉडल है वो क्या किस पे काम करता है, अपने वेरिएबल्स के रिलेशनशिप के बीच में, ठीक है। और इन लीनियर रिग्रेशन आपको अच्छी तरह याद होगा कि हमने बात की थी कि इट्स अ रिलेशनशिप बिटवीन टू वेरिएबल्स, बट इन द केस ऑफ मल्टीपल लीनियर रिग्रेशन देयर इज अ रिलेशनशिप बिटवीन मल्टीपल इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स एंड अ सिंगल डिपेंडेंट वेरिएबल, ठीक है। और फिर हम आगे इसमें देखेंगे कि कैसे इसकी मुख्तलिफ डायनेमिक्स ऐड होती चली जाती हैं, ठीक है। और फिर हमने क्या करना होता है, मॉडल को हमने वैलिडेट करना होता है। फिर उसके बाद हमने मॉडल को फील्ड में जब हम उसको डिप्लॉय कर देते हैं फॉर एक्चुअल प्रिडिक्शंस कि हम उसे अननोन इंस्टेंसेस के ऊपर हम उससे कोई रिजल्ट्स, कोई आउटकम्स जनरेट करा सकें, तो वो हम उसको क्या कहते हैं, मॉडल डिप्लॉयमेंट, ठीक है। सिंपल लीनियर रिग्रेशन के केस में देयर इज अ रिलेशनशिप बिटवीन टू फीचर्स, देयर इज अ सिंगल डिपेंडेंट एंड अ सिंगल इंडिपेंडेंट वेरिएबल एंड दिस इज द विजुअलाइजेशन ऑफ 2D एक्सिस, टू डायमेंशनल, ठीक है, वन इंडिपेंडेंट एंड वन डिपेंडेंट, ठीक है। थोड़ा सा मैं आपको इसका एनिमेटेड दिखाती हूँ कि देखिए लीनियर रिग्रेशन जब हमने बात की थी ना तो ये इस तरह से मैं आपको विजुअलाइज कराना चाहती हूँ। याद है मैं आपको हैंड मूवमेंट से स्लोप का इंफॉर्मेशन देने की कोशिश कर, ये जो लाइन देखें ये मुख्तलिफ लाइंस बन रही है विद मुख्तलिफ स्लोप्स, रिमेंबर हम कहते थे डिफरेंट स्लोप्स हैं, ये डिफरेंट स्लोप्स के ऊपर जो है ना ये देखें लाइन जो है ना वो आपकी सेट हो रही है। एंड ये जो ब्लू 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 डॉट्स हैं व्हाट आर दे आर योर ऑब्जर्वेशंस, दे आर द पॉइंट्स, डेटा पॉइंट्स ऑफ योर डेटा सेट। तो आप देखें ये लाइन जो है वो शुरू, इसकी एनिमेशन जो है वो शुरू कहाँ से हुई थी, एक रैंडम मॉडल से, ठीक है, एक रैंडम लाइन से, और वो किस रंग की थी, लाल रंग की थी। इसका क्या मतलब है कि अभी वो मॉडल ट्रेन हो रहा है, अभी वो लाइन हम फाइंड आउट करने की कोशिश कर रहे हैं दैट वुड बेस्ट रिप्रेजेंट योर डेटा सेट। देखा आपने, ये नोट किया जहां
से लाइन शुरू हुई है, जहां से मॉडल की ट्रेनिंग शुरू हुई है, दैट वॉज रेड लाइन. और जूं जूं वो मॉडल के ऊपर, सॉरी डेटा के ऊपर फिट होती जा रही है, वो मॉडल सेट हो रहा है उस डेटा के ऊपर, वो क्या होता चला जा रहा है, वो रेड से ट्रांजिशन हो रही है उसकी ग्रीन की तरफ. अब हम आगे चलेंगे मल्टीपल लीनियर रिग्रेशन की तरफ. अब मल्टीपल लीनियर रिग्रेशन का क्या मतलब है? मल्टीपल लीनियर रिग्रेशन का मतलब है कि नाउ वी हैव मल्टीपल इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स एंड अ सिंगल डिपेंडेंट वेरिएबल. ठीक है, और अभी आपने बात की थी सिंपल में टू डिमेंशनल के ऊपर, बट के मल्टीपल लीनियर रिग्रेशन में क्या होता है कि देयर इज अ रिलेशनशिप बिटवीन मल्टीपल फीचर्स एंड इन अ पर्टिकुलर केस. ये जो अभी आपके सामने ये प्लॉट हुआ है ना, इट्स अ रिलेशन बिटवीन सिंगल डिपेंडेंट एंड टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स. ठीक है, वाई इज अ डिपेंडेंट वेरिएबल एंड एक्स वन एंड एक्स टू आर योर इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स. ठीक है, वेरिएबल्स या फीचर्स, ये आपको पहली क्लास में मैंने आपको बताया था कि लीनियर अलजेब्रा की टर्मिनोलॉजी में हम उसे वेरिएबल्स कहते हैं, जबकि मशीन लर्निंग की इस्तलाह में हम उसे क्या कहते हैं, फीचर्स कहते हैं. ठीक है, तो जूं जूं फीचर्स ऐड होते जाते हैं, उसकी एक डायमेंशन ऐड होती जाती है. आर यू नोटिसिंग स्टूडेंट्स, क्या आप नोटिस कर रहे हैं कि जैसे जैसे आप फीचर्स ऐड कर रहे हैं उसमें एक डायमेंशन ऐड होती चली जा रही है. ठीक है, अभी दो फीचर हैं तो दो डायमेंशंस हो गई हैं. इसी तरह जितने फीचर्स ऐड होते चले जाएंगे, दैट फीचर वुड ऐड अ डायमेंशन इन आवर मॉडल. ठीक है, और आपको पता है मल्टी डायमेंशनल को विजुलाइज करना मुश्किल होता है. जैसे जैसे डेटा मल्टी डायमेंशनल होता चला जाता है, वो अब एक प्लेन में, एक स्पेस में आपकी डायमेंशन जो है ना वो ऐड होती हैं, उसको विजुलाइजेशन उसकी, उसको इमेजिन करना जो है मुश्किल होता चला जाता है. बट आपको सिर्फ इसका मैथमेटिकली कॉन्सेप्चुअली आपको इसका आइडिया होना चाहिए, और इसको जो है वो पाइथन में आपके लिए काम जो है वो आसान हो जाता है. तो हम क्या कर रहे हैं कि अब हम हाई डायमेंशनल डेटा के ऊपर बात कर रहे हैं कि अब डेटा के अंदर मल्टी लीनियर रिग्रेशन में देयर आर मल्टीपल फीचर्स. ठीक है, जिनकी बेस पे हमें कोई प्रिडिक्शन करनी होती है एंड अ लॉट ऑफ कॉलम्स आर इन्वॉल्व्ड इन दैट. ठीक हो गया, ओके फाइन, लेट्स मूव फॉरवर्ड. अब दिस इज द एनिमेशन ऑफ योर मल्टीपल लीनियर रिग्रेशन. जैसे फॉर एग्जाम्पल, अभी आगे आएंगी भी कि अगर आपने फॉर एग्जाम्पल किसी बंदे की सैलरी आपने जो है ना वो कंप्यूट करनी है ऑन द बेसिस ऑफ इट्स एज एंड एक्सपीरियंस. अब क्या है, डिपेंडेंट वेरिएबल हमारे पास जो है वो अब एक है, जिसका क्या नाम है, सैलरी. और हमारे पास इंडिपेंडेंट जो फीचर्स हैं वो दो हैं, कौन कौन सा, एज और एक्सपीरियंस. नाउ इट्स द केस ऑफ मल्टीपल लीनियर रिग्रेशन. तो अब उसको देखें, जू जू डायमेंशन ऐड हो रही है, आप देख रहे हैं ये, इसकी एनिमेशन को नोट किया आप लोगों ने, इट्स बिकमिंग कॉम्प्लेक्स. ठीक है, एनिमेटेड एनिमेशन देख लिया ना आपने, जू जू इसके अंदर एक डायमेंशन ऐड होती जा रही है, ये एक कॉम्प्लेक्स विजुअलाइजेशंस जो हैं वो बनती जा रही हैं. ठीक है, अच्छा, अब आपने जब भी कोई मॉडल फिट करना है, ठीक है, जब भी कोई मॉडल फिट करना है, तो उसमें सबसे पहले आपने कुछ स्टेप्स फॉलो करने हैं कि सबसे पहले तो आपने ये देखना है कि जो डेटा है वो पैटर्न क्या फॉलो कर रहा है. ठीक है, रिग्रेशन के लिए हमारे पास क्या कंडीशन है कि इट्स लीनियर रिग्रेशन, सिंपल लीनियर रिग्रेशन की बात कर रही हूं, कि उसके दरमियान जो है देयर मस्ट बी अ लीनियर रिलेशनशिप बिटवीन योर डिपेंडेंट एंड इनडिपेंडेंट वेरिएबल. ठीक है, तो अब अगर आपने इसके लिए लीनियर मॉडल आपने जो है ना वो ट्रेन करवाना है, जिसको मैं क्या कह रही हूँ, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, जो कि एक लाइन की इक्वेशन है, तो हमें उसके लिए एक लीनियर पैटर्न चाहिए. ठीक है, अब जैसे मिसाल के तौर पे आप इसको देखें, फर्स्ट वाले मॉडल को, इस वाले मॉडल को, ठीक है, तो इट्स अ लीनियर ट्रेंड, बिल्कुल लगा सकते हैं. क्यों? क्योंकि वो एक लीनियर ट्रेंड फॉलो कर रहा है, उसके स्कैटर प्लॉट से हमें पता चल रहा है कि वो एक लीनियर ट्रेंड फॉलो कर रहा है, लगा सकते हैं, तो हम इसके ऊपर लगा सकते हैं. ओके, आप अगर देखें सेकेंड वाला प्लॉट, ये देखें, ये एक लीनियर ट्रेंड नहीं है, इट्स अ सम पैराबोलिक ट्रेंड. तो सबसे बेटर अप्रोच क्या होती है कि जब भी आपके पास डेटा सेट आए ना, उसको पहले प्लॉट करें, उस प्लॉट करके उसको देखें कि ये किस किस्म का पैटर्न फॉलो कर रहा है. अगर तो वो एक लीनियर पैटर्न फॉलो कर रहा है, तो फिर आप उसके ऊपर जो है ना वो लीनियर रिग्रेशन अप्लाई करेंगे, और अगर नहीं कर रहा, तो फिर कोई और जो है ना मॉडल उसके ऊपर अप्लाई होगा. तो अगर देखें इसको, सेकंड वाले को, तो ये एक लीनियर ट्रेंड नहीं है, दिस इज अ पैराबोलिक ट्रेंड. तो हमें क्या करना है, अगर हम इसके ऊपर लीनियर, अब इसके ऊपर हम लीनियर इक्वेशन नहीं लगाएंगे,
ठीक है, यहाँ पे एक रिलेशन है, कोरिलेशन है इंडिपेंडेंट और वेरिएबल के बीच, डिपेंडेंट के बीच में, बट इट्स नॉट अ लीनियर रिलेशनशिप. ठीक है, तो फिर हम यहाँ पे एक लीनियर लाइन नहीं लगाएंगे. और अगर हम यहाँ पे जो है ना क्या उसे कहते हैं, अगर हम इस तरह की कोई कोशिश करेंगे तो वो एक अच्छा मॉडल ट्रेन नहीं होगा. हमने एक गलत मॉडल की जो है ना वो सिलेक्शन कर ली है, जो कि डेटा को रॉन्ग तरीके से, ठीक है, डेटा के बारे में रॉन्ग हमने एजम्पशन की है. तो हमें यहाँ पे कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन टाइप कोई चीज़ लगानी होगी. तो ये देखें, ये एक लीनियर मॉडल फॉलो नहीं कर रहा. तो अगर हम यहाँ पे लीनियर लाइन लगाने की कोशिश करेंगे तो यहाँ पे जो है वो इट्स वुड बी अ सिचुएशन ऑफ अंडर फिटिंग. ठीक है, हम इंशाल्लाह पढ़ेंगे ओवरफिटिंग अंडरफिटिंग के क्या कॉन्सेप्ट्स हैं इन फ्यूचर. बट अगर हम यहाँ पे कोई मॉडल लगाना चाहें तो फिर यहाँ पे कोई क्वाड्रेटिक मॉडल जो है ना, दैट वुड बी अ सूटेबल मॉडल टू फिट ऑन दिस सॉर्ट ऑफ डेटा. ठीक है, सो डिपेंडिंग अपॉन द ट्रेंड्स एंड पैटर्न्स ऑफ आवर डेटा विल सिलेक्ट ऑन आवर मॉडल. ठीक है, हम अपने डेटा के ट्रेंड की बेस पे, अपने ऑब्जर्वेशन की बेस पे हम जो है ना किसी भी मॉडल का जो है ना वो सिलेक्शन करेंगे. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आगे देखें, नेक्स्ट वाली ये देखें, ये नेक्स्ट फोर्थ वाली ये देखें आप, इसमें देखें ये एक लीनियर जो है ना वो एक ट्रेंड फॉलो हो रहा है. तो लगा सकते हैं इसके ऊपर, हम लगा सकते हैं, बट अब थोड़ा सा फाइन ट्यून करेंगे इसको. तो क्या है इसका मतलब कि जो y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी है, इट्स अ जेनेरिक मॉडल और हम उसको फाइन ट्यून करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ इट्स सेटिंग इट्स इंटरसेप्ट एंड स्लोप, जिसको हम बार बार क्या कह रहे थे, मॉडल के पैरामीटर्स हैं या हमारे कोफिशियंट्स हैं. ठीक है, और हम जो हैं उसकी बेस पे इसको हम ट्यून करते हैं. ठीक है, तो हमें क्या करना है, अपने जो मशीन है उसको हमने ट्रेन करना है ताकि इन फ्यूचर जो हमारे पास अननोन सिचुएशंस हों, हमारे पास अननोन इंस्टेंसेस हों, उसके ऊपर मशीन जो है वो कुछ प्रिडिक्ट कर सके. और हम उसको क्या देंगे, हम उसको क्या देंगे, हम उसको देंगे हिस्टोरिकल डेटा, जिसको हम एक और भी वर्ड यूज कर रहे थे, हम उसको वर्ड यूज कर रहे थे दैट वाज ऑब्जर्वेशंस. ठीक है, जो कि ऑलरेडी है. और क्या है मॉडल पैरामीटर्स क्या थे, जो मैंने आपको बार बार कह रही हूँ, दे आर और स्लोप एंड इंटरसेप्ट, जिसकी बेस पे हम अपने मॉडल को फाइन ट्यून करते हैं, जो कि हमारे डेटा को बेस्ट रिप्रेजेंट करता है. ऑलराइट, अब जैसे अगर हम इसकी बात करें फोर्थ की, तो ये देखें यहाँ पे हम लीनियर रिग्रेशन क्यों लगा सकते हैं, बिकॉज ये यहाँ पे एक लीनियर ट्रेंड फॉलो कर रहा है. अब अगर हम इसकी बात करें, इसकी इसको देखें, सेकंड वाले को, यहाँ पे जो मैंने कहा है आपको कि यहाँ पे इस नए कॉन्सेप्ट को समझाने से पहले इस सेकंड वाले को देखें, जहाँ पे मैंने आपको कहा था कि आप यहाँ पे लीनियर रिग्रेशन नहीं लगा सकते क्योंकि ये क्वाड्रेटिक जो है ना वो एक पैटर्न है, ये एक पैराबोलिक पैटर्न है. अब एग्जाम्पल बिल्कुल ऐसी है, जैसे मिसाल के तौर पे आप जो है ना वो यहाँ पे जो केस है ना वो ऐसा है कि यहाँ पे उसने पैरामीटर सही लर्न किए हैं, मगर यहाँ पे मॉडल की जो चॉइस है ना वो गलत है. ठीक है, यहाँ पे उसके पैरामीटर्स का प्रॉब्लम नहीं है. ये मैं भी किसकी बात कर रही हूँ, ये जिसके ऊपर मैंने ये बनाया हुआ है नॉट का साइन. ठीक है, यहाँ पे पैरामीटर्स उस बेचारे ने अपनी तरफ से ठीक लर्न किए हैं, स्लोप इंटरसेप्ट अपनी तरफ से उसको जो लगता था ना उसने ठीक लर्न किए हैं, मगर प्रॉब्लम किसका है यहाँ पे, इधर सिलेक्शन ऑफ मॉडल गलत है. यानी कि आप ये समझें कि आप जो थे वो बेस्ट थे इन एस्थेटिक्स, डिजाइनिंग, क्रिएटिविटी, और आपको कोई उठा के जो है ना वो फेंक दे के मेडिकल में. अब आपकी इंटेलिजेंस का मसला नहीं है, आपकी चॉइस ऑफ फील्ड गलत हो गई है. आर यू गेटिंग माई पॉइंट, कि यहाँ पे जो ये जिसके ऊपर मैंने नो का क्रॉस का जो मैंने एक आइकन बनाया, यानी कि जो दूसरी वाली आपकी विजुअलाइजेशन है, उधर प्रॉब्लम ऑफ पैरामीटर्स लर्निंग नहीं है, वहां पे प्रॉब्लम है मॉडल की सिलेक्शन की. कि एक स्टूडेंट था जो कि अच्छा था इन क्रिएटिविटी, उसको होना चाहिए था फाइन आर्ट्स में या BCA में या डिजाइनिंग में, उसको जो है ना वो हमने इम्पोज कर दिया, नहीं तूने जो है ना वो करनी ही वो क्या है मेडिकल करना है. तो आप देखें उसकी इंटेलिजेंस का मसला नहीं है, उसकी चॉइस ऑफ फील्ड गलत हो गई है. आपको मेरी बात समझ आई है यहाँ पे?
तो हमने जो है वो डेटा के ट्रेंड्स को देखते हुए मॉडल की सिलेक्शन करनी है कि उसको कौन सा, उसके बिहेवियर को, डेटा के बिहेवियर को देखते हुए कौन सा मॉडल हमने सिलेक्ट करना है जो उसको बेस्ट रिप्रेजेंट करे, ठीक है। उसकी इंटेलिजेंस का मसला नहीं है। और अगर हम यहाँ पे बात करें इसकी, 1 2 3 4 5 फिफ्थ वाले की, तो ठीक है, यहाँ पे एक लीनियर ट्रेंड फॉलो हो रहा है बच्चों, यहाँ पे एक लीनियर ट्रेंड फॉलो हो रहा है, बट यहाँ पे जो पैरामीटर्स की लर्निंग है ना वो ठीक नहीं है, यानी कि जो मॉडल के कॉफिशियंट्स है ना उनका मसला है। अब मॉडल के कॉफिशियंट्स का मसला क्यों है, यहाँ पे देखें, आपने मॉडल की चॉइस ठीक सिलेक्ट की है, बिकॉज इस डेटा में एक लीनियर ट्रेंड है, बट यहाँ पे उसने पैरामीटर्स जो है ना वो ठीक लर्न नहीं किए। ये जो लाइन लगी हुई है दैट इज अ मॉडल, जिसको हमने, ये वाली जो लाइन है ए, ये वाली जो लाइन की इक्वेशन है या मॉडल की इक्वेशन है, ये हमने जो है ना वो ठीक से ट्रेन नहीं की। ट्रेन किस बेस पे होती है, ऑन द बेसिस ऑफ योर कोफिशिएंट्स। बार बार मैं रिपीट कर रही हूँ, मॉडल पैरामीटर्स दे आर इंटरसेप्ट एंड स्लोप। तो अब ये जो फिफ्थ वाला है, फिफ्थ वाला जो ये है बेचारा, इसमें डेटा का कसूर नहीं है, आपने इवन मॉडल का भी कसूर नहीं है। यहाँ पे जो ट्रेनिंग आपने, जो लर्निंग गलत की है वो किसकी है, मॉडल के कॉफिशियंट्स की। अब ये मॉडल के कॉफिशियंट की गलती की वजह से, यानी कि आपने ठीक लर्न नहीं किए, तो क्या हुआ, यहाँ पे होना क्या चाहिए था, लाइन कैसी होनी चाहिए थी, बिल्कुल सीधी लीनियर लाइन कैसी होती, बिल्कुल सीधी, जो इसको ठीक तरह से रिप्रेजेंट करती। अब ये क्यों मॉडल इस तरह से हुआ है, बिकॉज ऑफ एन आउटलायर, देयर वॉज एन आउटलायर। ये देखें, ये चुन्नू सा जो एक है ना, एक डॉट, एक ऑब्जर्वेशन, दैट इज एन आउटलायर। इस आउटलायर की वजह से आपने जब उसको कंसीडर किया, तो उस आउटलायर की वजह से आपका मॉडल जो है वो ठीक तरह से ट्रेन नहीं हुआ। तो इस वजह से जब भी आपने डेटा को प्री प्रोसेस करते हैं, तो हम क्या करते हैं, हम आउटलायर्स को रिमूव कर देते हैं, ठीक है, क्योंकि उस आउटलायर की वजह से यहाँ पे जो मॉडल है वो यूं जो है ना वो ट्रेन हुआ है। दैट्स एन इंपॉर्टेंस ऑफ योर प्री प्रोसेसिंग। अब समझ आ रही है बात की, तो क्या हुआ, ड्यू टू ओनली वन आउटलायर हमारी लाइन जो है वो इस तरह से हो गई है, ठीक है, और हमने क्या किया, एंटायर डेटा को हम जो है ना वो मिस कर गए हैं ड्यू टू दैट आउटलायर, और दैट इज वाई वी ट्राई टू फिट अ मॉडल, वी कुड हैव अ परफेक्ट फिट, ठीक है, इस वजह से हम एक परफेक्ट फिट तक नहीं पहुंच सके। बिल्कुल एग्जाम्पल इसकी ऐसी है, जैसे क्लास में ना सारे बच्चे पढ़ने के मूड में हैं, और वही जैसे मैंने आपको कहा था कि एक स्टूडेंट जो है ना वो डिस्टर्बेंस क्रिएट करनी शुरू कर दे, कुछ मोबाइल के ऊपर प्ले कर दे या क्या होगा, तो क्या होगा, सारी क्लास उसे डिस्टर्ब हो रही होगी। अब अगर मैं उसी को फोकस करना शुरू कर दूंगी तो क्या होगा, आप लोग सही लर्न नहीं कर पाएंगे। तो क्या होना चाहिए, बेटर अप्रोच, जैसे उस बंदे को चुप के हम बाहर निकाल देंगे, उसको बाहर निकाल देंगे, उसको इग्नोर मारेंगे, क्यों, उसकी वजह से हमारी मॉडल की लर्निंग हमारी जो है ना वो खराब हो रही है। सो सिंपल लीनियर रिग्रेशन एक दफा फिर वापस, ठीक है। अब हमारा क्या है कि वही बात है, सिंपल लीनियर में क्या था, हमारे पास एक ही इंडिपेंडेंट वेरिएबल हमारे पास इन्वॉल्व था, ठीक है। अब हमने जो है, हमारे पास ये जो ग्रीन में है, ये हमारे पास एक जेनेरिक मॉडल है, ठीक है, और हमने जो हमारा अल्टीमेट टारगेट है, दिस इज और अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव, क्यों क्यों हमने जो है वो ऐसा मॉडल ट्रेन करना है कि जो कि एक्स की वैल्यूज पे हमें वाई वाई जो है वो प्रिडिक्ट करके दे, कि जो ट्रेनिंग वाला डेटा होता है उसमें जो आंसर्स होते हैं वो हम दिखाते हैं कि इस क्वेश्चन का ये आंसर है, इस क्वेश्चन का ये आंसर है, इस क्वेश्चन का ये आंसर है, जबकि जो हमारा 20% टेस्टिंग होता है उसमें हम मॉडल को आंसर्स नहीं दिखाते, बट हमें पता होती हैं वो ऑब्जर्वेशंस। हम मॉडल को टेस्टिंग के दौरान चेक कर रहे होते हैं कि वो जो आंसर दे रहा है वो हमारे पास जो आंसर है उसके मुताबिक आ रहा है कि नहीं आ रहा, ठीक है। तो क्या है कि जो टेस्टिंग वाला डेटा है वो हम मॉडल को नहीं दिखाते, ठीक है, और जो हमारा बिल्कुल अननोन होता है उसके ऊपर, जब हमारा टेस्टिंग डेटा के ऊपर मॉडल हमारा ठीक परफॉर्म करता है और हमें पता चल जाता है कि इसका आर स्क्वायर जो है वो बेहतरीन है, इसका जो कॉफिशियंट ऑफ डिटर्मिनेशन के आर स्क्वायर जो है वो 0 1 की रेंज में है, तो हम कहते हैं कि इट्स अ गुड मॉडल, ठीक है, इट्स अ एक्सेप्टेबल मॉडल। तो हम जब कहते हैं कि हाँ ये मॉडल एक्सेप्टेबल है, तो हम उसको क्या कर देते हैं, फिर फील्ड में डिप्लॉय कर देते हैं, और फील्ड में तो आपको पता है ना
हमें डेटा का नहीं पता होता कि इन जो हमारे पास ऑब्जर्वेशन आ रही हैं वो क्या होंगी, उसके ऊपर फिर डेटा अननोन के ऊपर हमारे पास प्रिडिक्शन करके देता है। अच्छा, अब जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं आपको थोड़ा सा रिवाइज करा दूं कि अगर हम ये देखना चाह रहे हैं, एग्जाम्पल मैं आपको ऐसे देती हूँ ट्रेनिंग और उसकी, कि मैं ये देखना चाह रही हूँ कि मार्च 2022 में, ठीक है, एग्जाम्पल को समझिएगा जरा ध्यान से, कि इन मार्च 2022 व्हाट वुड बी द डेथ टोल ऑफ पीपल ड्यू टू COVID-19। ठीक है, मैं एक प्रिडिक्शन करना चाह रही हूँ, मैं एक कह लें कि पेशेंट गोई करना चाह रही हूँ कि मैं देखूं कि ये कि मार्च 2022 में खुदा ना खास्ता COVID-19 की वजह से फोत होने वाले लोगों की क्या जो है वो क्वांटिटी होगी या क्या डेथ रेट होगा। अब इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, हमें उसको एक डेटा सेट, उसे प्रीवियस डेटा, उसको एक हिस्टोरिकल डेटा हमें फीड करना पड़ेगा, और किस तरह से कि हम उस डेटा को हम डिवाइड करेंगे एक मॉडल को ट्रेन करने के लिए इन द फॉर्म ऑफ 80% नॉर्मली, जो मैंने आपको एक बताई थी जो प्रोपोर्शन हम यूज करते हैं, 80% ऑफ योर ट्रेनिंग 20% ऑफ योर टेस्टिंग स्प्लिट। ठीक है, तो 80% जो मैंने उसको जो डेटा दिया है, मेरे पास था डेटा, लेट सपोज मेरे पास था डेटा फरवरी 2022 तक का डेटा था मेरे पास, ठीक है, मार्च 2022 का डेटा मेरे पास अभी नहीं है, ठीक है, जस्ट इमेजिन कि हम इसे 2022 में, मेरे पास जो है ना वो 2022 तक का डेटा मौजूद है फरवरी तक का, ट्रेनिंग के लिए मैंने डिवाइड किया दिसंबर 2021 तक का डेटा, ठीक है, और मैंने उसके ऊपर मॉडल को क्या कर दिया, ट्रेन कर दिया। अब जनवरी से लेके फरवरी 2022 तक मैंने जो है वो रख लिया उसको किसके लिए, टेस्टिंग के लिए, समझ आ रही है ये बात की, ट्रेनिंग के लिए मैंने कहां तक दिया, 2021 दिसंबर तक, और टेस्टिंग के लिए मैंने कौन सा रख लिया, जनवरी 22 से लेके फरवरी 22 तक, एंड प्रिडिक्ट हम किसका करना चाह रहे हैं, मार्च 2022 जो कि अभी आया नहीं है, मॉडल 2021 दिसंबर तक ट्रेन हुआ। अब 2022 जनवरी और फरवरी का हमारे पास तो आंसर है, बट हम उसको टेस्ट कर रहे हैं मॉडल को कि हाँ उसने लर्न तो 2021 दिसंबर तक किया है, अब जरा हम ये तो चेक करें कि ये जो ट्रेनिंग इसकी होगी, अब चेक तो करें कि ये इसने क्या जनवरी 22 और फरवरी 22 के डेथ टोल कहां तक इसने ठीक प्रिडिक्ट किए हैं, अगर वहां पे एरर रेट कम होगा तो देन वी वुड डिप्लॉय दिस मॉडल कॉन्फिडेंटली इन द फील्ड टू प्रिडिक्ट द डेथ टोल ऑफ मार्च 2022। तो अब हमारा वही बात है कि अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव हमारा क्या है कि हमने अपने एक मॉडल को हमने ट्रेन करना है जिसके जरिए से हम आगे क्या कर सके, हम उसको जो है वो अपनी वैल्यूज को जो है हम प्रिडिक्ट करवा सकें, ठीक है, और हम चेक कर सकें कि हाउ मच एरर मार्जिन इज इन और डेटा इज, ठीक है। ओके, अब हम आगे चलते हैं, मजीद कुछ कॉन्सेप्ट देखते हैं। देयर इज अ कैटेगरी ऑफ एरर जिसको हम कहते हैं ट्रेनिंग एरर या टेस्टिंग एरर, ठीक है। अब व्हाट इज द ट्रेनिंग एरर, आपको याद है जब मैंने आपको ये वाला स्लाइड पढ़ाई थी लास्ट लेक्चर में, तो मैं आपको क्या कह रही थी कि हम हर एक इंस्टेंस को मशीन को ह्यूमनली तो ये पॉसिबल नहीं है बिकॉज इट्स अ बिग रियल लाइन, अब हमारे जो मॉडल के कॉफिशेंट्स हैं उनकी जो डोमेन है या रेंज है या जो भी कह लें, इट्स अ प्योर, इट्स अ कंप्लीट रियल लाइन, वो पॉइंट्स भी ले सकता है, वो नेगेटिव वैल्यूज भी ले सकता है, वो पॉजिटिव, पता है ना रियल नंबर्स क्या होते हैं, पता है ना आपको रियल नंबर्स क्या होते हैं, ये तो नहीं मुझे बताना पड़ेगा कि व्हाट इज अ रियल नंबर एंड व्हाट इज अ रियल लाइन, रियल लाइन इज फ्रॉम नेगेटिव इन्फिनिटी टू पॉजिटिव इन्फिनिटी, ठीक है, ये बातें पता है ना आपको। तो ये जो आपके मॉडल के पैरामीटर्स हैं, ये जो इंटरसेप्ट और स्लोप है जिसकी बेस पे हमारा मॉडल जो है ना वो फिट हो रहा है, उसकी जो डोमेन है इट्स अ रियल लाइन, कंप्लीट रियल लाइन। हाउ विल वी गेट टू नो व्हाट आर द बेस्ट slope and intercept values to get fit on the observations or on the training data. तो अब हमें क्या है कि हमने जब मैंने आपको एग्जाम्पल कराई थी ये वाली, तो मैंने आपको क्या कहा, फॉर इंस्टेंस हमने 15 पहली वाली जो आपकी ऑब्जर्वेशन है यहाँ पे इस टेबल में, ये या आपको याद होगी एग्जाम्पल जब मैंने आपको कराई थी कि 15 हमें आउटपुट पे चाहिए और हमारे पास जो है वो नोन क्या है, हमारे पास नोन है हमारे पास x, दैट इज 2।
तो के साथ हम ऐसा क्या जो है ना अपने मॉडल के पैरामीटर्स या कोफिशियंट्स फिट करें कि हमारे पास वो 15 हमें आउटपुट दे दे। उसके बाद हम फिर हमने कहा कि यहाँ पे 7 लगा दो और अल्फा को 1 कर दो और 7 2 14 प्लस 1 करें तो हमारे पास आउटपुट पे 15 आ जाएगा। अब हमने अगली पे गए, हमने लर्न किया कि अल्फा होना चाहिए हमारे पास लेट सपोज 7 और सॉरी बीटा होना चाहिए हमारे पास 7, यानी कि जो स्लोप है हमारे पास होना चाहिए 7 और जो हमारा इंटरसेप्ट है दैट वुड बी 1। ये भी हमने एक इंस्टेंस या एक एग्जांपल या एक रो के ऊपर जो है ना हमने हम एक नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन के ऊपर हमने ये एक डेटा पॉइंट के ऊपर हमने इसको चेक करके हमने इसको निकाला। बट आपके पास जो है वो पूरे डेटा सेट में देर आर लॉट्स ऑफ ऑब्जर्वेशंस, पता है ना आपको डेटा सेट कितना बड़ा होता है, तो हमने जो है वो उन सब के ऊपर सेटिस्फाई करना है अपने एक मॉडल को, ठीक है, हमने फिट करना है मॉडल को। तो क्या है, हमने जब नेक्स्ट ऑब्जर्वेशन ली और हमने कहा कि हम पुरानी वाली की लर्निंग को इसके ऊपर करने की कोशिश करें, तो हमने वही काम किया, स्लोप को हमने 7 किया और हमने अपने इंटरसेप्ट को 1 किया। बट हमें वहां पे आउटपुट क्या चाहिए था, आउटपुट दैट इज 28 बट दैट्स नॉट जेनरेटिंग अ 28, 22। तो क्या हो रहा है, 22 एंड 28 आर इक्विवेलेंट, आर दे इक्विवेलेंट, 28 इज इक्वल टू 22, नो, देयर इज अ लैग ऑफ 6 पॉइंट्स, देयर इज एन एरर ऑफ 6 पॉइंट्स, इज अ मैग्नीट्यूड ऑफ 6 पॉइंट्स ऑफ एरर। तो ये जो ट्रेनिंग के दौरान आपके पास ये जो एरर्स आ रही होती है ना, इसको हम क्या कहते हैं, हम इसको क्या कहते हैं, कौन सी एरर, ट्रेनिंग एरर, ठीक है। और आपको पता है मॉडल अपने आप को ट्यून करता है, जैसे मैंने आपको एग्जांपल दी थी ना उसकी, वो जो रिडल्स होती हैं उसके ऊपर सोशल मीडिया के ऊपर, कि आपने कहा कि एक दो बच्चे बने हुए हैं, एक केला बना हुआ है, एक सेब बना हुआ है, तो उसका बराबर होना चाहिए एक तरबूज के, आपने कहा अच्छा बच्चा ये होगा, केला ये होगा, वैल्यू आपने दे दी और ये बन गया तरबूज। अब आगे जाते हैं, अब आपने पुरानी वाली लर्निंग नई इंस्टेंस पे लगाने की कोशिश की, तो क्या हुआ, वो अगर बराबर नहीं आया तो आप अपने आप की लर्निंग को इम्प्रूव करेंगे ना, आप मुख्तलिफ वैल्यूज के साथ उसको चेंज करेंगे। तो ये जो एरर मार्जिन आ रहा होता है ना ड्यूरिंग ट्रेनिंग, हम इसको क्या कहते हैं, ट्रेनिंग एरर। इस ट्रेनिंग एरर को ग्रेजुअली जो है ना हमने मॉडल ने जो है वो क्या करना है, इसको रिमूव करना है। यूं ही इसको हम रिमूव करते चले जाते हैं तो हमारा मॉडल जो है वो बेस्ट रिप्रेजेंटेशन की तरफ आहिस्ता आहिस्ता मूव करता चला जाता है, ठीक है। बस अच्छा, मॉडल वैलिडेशन का कॉन्सेप्ट जिसमें से मैंने आपको बता दिया ट्रेनिंग एरर, वी गेट द ट्रेनिंग एरर बाय कैलकुलेटिंग द क्लासिफिकेशन एरर ऑफ द मॉडल ऑन द सेम डेटा द मॉडल वॉज ट्रेन्ड ऑन, ठीक है। जो मॉडल के हमने ट्रेनिंग डेटा के लिए जो डेटा सिलेक्ट किया था उसके ऊपर ड्यूरिंग ट्रेनिंग जो एरर आ रही होती है, जो लर्निंग एरर आ रही होती है, जो डिफरेंस आ रहा होता है, उसको जो है हम क्या कहते हैं, ट्रेनिंग एरर। एंड व्हाट इज अ टेस्ट एरर, अब आपको पता है कि ये दोनों एक दूसरे से डिसजॉइंट हैं, टेस्ट एरर सॉरी ट्रेनिंग डेटा एंड टेस्टिंग डेटा बोथ आर डिसजॉइंट्स बिकॉज दे आर डिफरेंट, वो वाला स्प्लिट हमने अलग किया है, ये वाला स्प्लिट हमने अलग किया है, ठीक है, बिल्कुल डेटा उधर अलग है, इधर हमने अलग कर दिया डेटा को ताकि हम इसके ऊपर क्या कर सकें, हम ट्रेनिंग करवा सकें, ठीक है। तो आपको मैंने एक कॉन्सेप्ट बताया था ना कि ऑप्टिमाइजेशन का, ये जो हम एरर को मिनिमाइज करने की कोशिश कर रहे हैं ना, ये हम किस लिए, ये किसके थ्रू कर रहे हैं, हम कर रहे हैं इसको अपनी ऑप्टिमाइजेशन के थ्रू, एरर्स को स्क्वायर करके सम कर रहे थे, जिसका एरर सबसे कम था हम वो क्या कह रहे थे कि दैट लाइन या दैट मॉडल इज द बेस्ट रिप्रेजेंटेटिव मॉडल टू फिट ऑन योर डेटा सेट, दैट इज एन अल्टीमेट टारगेट। और टेस्ट एरर जो है वो हमारी, हम ड्यूरिंग टेस्टिंग हम इसको जो है वो कंप्यूट करते हैं टेस्ट एरर को, ठीक है। तो अगर फॉर एग्जाम्पल हमारे पास आर स्क्वेयर, याद है आपको आर स्क्वेयर की हमने बात की थी, आर स्क्वेयर जो है वो जो कोफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन की हमने बात की थी कि हम ये चेक करना चाहते हैं कि हमारा मॉडल जो है वो कितना अच्छा परफॉर्म कर रहा है, ठीक है। तो हम उसका जो है वो एक मॉडल की परफॉर्मेंस निकालते हैं, ठीक है। तो अगर हमारे पास जो है वो 98% हमारा मॉडल जो है वो सही परफॉर्मेंस दे रहा है, तो इसका मतलब है कि 2% का स्टिल यहाँ पे मार्जिन है, तो हम कहेंगे हाँ दैट मॉडल इज अ गुड ट्रेन मॉडल, हाँ हम इसको जो है ना प्रिडिक्शन के लिए डिप्लॉय कर सकते हैं इन फील्ड, ठीक है। ये बातें आपको मेरे ख्याल से समझ आ रही होंगी जो मैं बातें कर रही हूँ अभी, ये हम पढ़ चुके हैं। तो अभी जस्ट एक रीकैप के लिए ट्रेनिंग और टेस्टिंग एरर को, कि आप क्या है कि इन अ मशीन लर्निंग ट्रेनिंग इज अ ट्रेनिंग अ प्रिडिक्टिव मॉडल मींस फाइंडिंग अ फंक्शन दैट मैप्स अ सेट ऑफ वैल्यूज एक्स टू वैल्यू वाई, ठीक है। देन
ये जस्ट समराइज कर रही हूं मैं. देन उसके बाद वी कैन कैलकुलेट हाउ वेल अ प्रिडिक्टिव मॉडल इज गोइंग. वी डू इट बाय कंपेयरिंग द प्रिडिक्टेड वैल्यू विद द ट्रू वैल्यू. रिमेंबर जो हम ये यहाँ पे किसकी बात हो रही है, यहाँ पे किसकी बात हो रही है, टेस्ट डेटा की, कि हमारे पास एक ट्रू वैल्यू ऑफ वाई आउटपुट वेरिएबल मौजूद है, हम उसको कंपेयर कर रहे हैं जो मॉडल ने हमें प्रिडिक्ट करके दिया है. इफ देर इज अ लेस डिफरेंस, इसका मतलब है कि हमारा मॉडल ठीक ट्रेन हो चुका है. ठीक है, इफ वी अप्लाई द मॉडल टू डेटा इफ वी ट्रेन्ड ऑन, वी आर कैलकुलेटिंग द ट्रेनिंग एरर. राइट, जिस डेटा के ऊपर मॉडल को हम ट्रेन कर रहे हैं, यानी कि जो हमारा ट्रेनिंग का डेटा सेट का पार्ट है, उसके ऊपर जो डेटा जो एरर कैलकुलेट होती है, उसको हम क्या कहते हैं, ट्रेनिंग एरर. एंड इफ वी कैलकुलेट द एरर ऑन द डेटा विच वॉज अननोन इन द ट्रेनिंग फेज. किसके लिए अननोन है अभी, दैट वॉज अननोन फॉर मॉडल. That was unknown for model. Model जो है ना बताए, और इसको आप क्या कहते हैं, वहां पे उसके error को आप क्या कहते हैं, test error. आगे चलते हैं जल्दी से, क्योंकि हमने आज अपनी coding का भी काम शुरू करना है. तो optimization का मैंने आपको बताया था कि why we are actually optimizing, because optimization is the process of observation of error and decide what to do to reduce the error. ठीक है, जिसमें से आप एक OLS हमने last time discuss किया था, और एक और है gradient descent. इंशाल्लाह हम in future इसको detail में देखेंगे. These are basically they are ये जो है आपके OLS या ये जो gradient descent है, basically what are they are basically the mechanism to optimize your model. They are methods to optimize your model, ताकि हम उसमें errors को जो है वो reduce कर सकें. ठीक है, ये जो है ना ग्रेडियंट डिसेंट, ये जो OLS है, बेसिकली व्हाई दे आर यूज्ड, बेसिकली दे आर यूज्ड क्यों, क्योंकि हम अपने एरर को रिड्यूस कर सके. दैट्स द वर्क ऑफ ऑप्टिमाइजेशन. अब OLS और ग्रेडियंट डिसेंट में भी फर्क है, कि जो हमारा OLS है स्टैंड फॉर ऑर्डिनरी लीस्ट स्क्वायर मेथड, इट्स एन एनालिटिकल मेथड. ठीक है, और ये एक नॉन आइट्रेटिव मेथड है. याद है आपको नॉन आइट्रेटिव क्या, कि मल्टीपल हमारे पास एरर्स आ रही थी, उसका हमने सम लेके जिसका सबसे कम था, हमने उसको क्या कहा कि ये हमारा जो है वो सबसे कम एरर वाला हमारा मॉडल है, तो ये हमारा सबसे बेटर परफॉर्मिंग हमारा मॉडल है. ठीक है, जबकि जो हमारा ग्रेडियंट डिसेंट है, दैट इज ऑल्सो अ फेमस ऑप्टिमाइजेशन टेक्निक. ठीक है, बट ये एरर को आइटरेटिवली रिजॉल्व करता है, स्मॉल स्मॉल स्टेप्स के साथ, छोटे छोटे स्टेप्स, हर एक स्टेप पे वो देख रहा होता है. ठीक है, जैसे हम पीछे देख रहे थे ना, हर एक इंस्टेंस बाय इंस्टेंस, वो हर एक इंस्टेंस बाय इंस्टेंस देखता जाता है, स्मॉल स्मॉल स्टेप्स में जो है ना ऑप्टिमाइज करता है मॉडल को, उसकी जो एरर्स है ना उनको लोकेट करता है और उसको रिमूव करता जाता है, छोटे छोटे उसमें स्टेप्स में. ठीक है, और क्या है, रेट ऑफ चेंज. आप देखें ग्रेडियंट का क्या मतलब होता है, आप लोग फिजिक्स भी पढ़ के आए हैं, आप लोग मैथमेटिक्स भी पढ़ के आए हैं, व्हाट इज द ग्रेडियंट मींस. ग्रेडियंट इज बेसिकली कॉन्सेप्चुअली अगर फिजिक्स में या उसमें आप देखो ना, इट्स अ बेसिकली रेट ऑफ चेंज. कलर थ्योरी में भी यही होता है ना, कि वो एक रेट ऑफ चेंज बता रहा होता है, ग्रेडियंट बता रहा होता है कि ग्रीन का ग्रेडियंट क्या है, कि वो किस तरह रेट ऑफ चेंज को रिप्रेजेंट कर रहा है. बेसिकली ग्रेडियंट इज अ रेट ऑफ चेंज. तो क्या होता है इसके अंदर, बेसिकली ये देखता है कि रेट ऑफ चेंज ऑफ आवर मॉडल पैरामीटर्स विद रिस्पेक्ट टू एरर. ठीक है, कि हमारे पैरामीटर्स, मॉडल के पैरामीटर्स में हाउ मच ग्रेडियंट या हाउ मच चेंज वी नीड टू रिड्यूस और एरर, आप ये समझ लें. ठीक है, दैट्स अ प्रोसेस ऑफ ग्रेडियंट डिसेंट. और ये जो है ना, ये आइटरेटिवली काम करता है. हमने OLS पढ़ा था, वो ऐसे इंटैक्ट सॉरी एनालिटिकली काम करता है, कि वो जस्ट उसको एरर्स को जो है वो ऐड करता है, और उसके बाद एरर्स का जिसका सम सबसे कम होता है, वो कहता है कि हाँ जी दिस इज द मॉडल जिसके ऊपर हमारा सही काम कर रहा है. तो ये देखें, मैंने OLS की छोटी सी एनिमेशन आपके यहाँ पे, ये जो कर रहा है क्या है, ये बेसिकली वही जहां पे मिनिमम हो जाता है ना, जिस मॉडल पे जिस लाइन पे सम ऑफ एरर्स मिनिमाइज हो जाता है, और आप ये देख रहे हैं y इज इक्वल टू की वैल्यूज चेंज हो रही हैं, स्लोप की और इंटरसेप्ट की, यानी कि मॉडल के जो पैरामीटर्स हैं उनकी वैल्यूज चेंज हो रही हैं फर्स्ट वाली एनिमेशन में. तो इसका क्या मतलब है, यहाँ पे यूजिंग योर ऑप्टिमाइजेशन, वो मॉडल जो है वो एरर्स को रिड्यूस करते हुए एक ऐसे पॉइंट की तरफ जा रहा है जहां पे वो अपने डेटा को बेस्ट रिप्रेजेंट करे. ठीक है, और इसी तरह ये सेकंड आइट्रेशन में भी यही, सेकंड एनिमेशन में भी यही हो रहा है, कि वो
मैक्सिमम एरर से शुरू करके उसको इस पॉइंट पे लेके आता है जहां पे कम से कम एरर्स के साथ हमारा जो मॉडल है वो बेस्ट प्रिडिक्शंस दे सके. इस ग्रेडियंट डिसेंट कर रहा है. ग्रेडियंट डिसेंट किस तरह से जो है ना एनिमेशन आपको शो कर रहा है, ये देखें ग्रेडियंट डिसेंट किस तरह से जो है ना वो आपको एनिमेशन के थ्रू आपको जो है ना बता रहा है कि किस तरह से ये जो है ना वर्क करता है. ये देखें ऑर्डिनरी ली स्क्वायर वन किया था कि हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे हमारे पास मुख्तलिफ एरर्स आ रहे हैं. जैसे मिसाल के तौर पे ये सम हो रहा है, ठीक है, ये देखें ये जो समेशन है, ये जो ये ब्लू ये वाला जो मैंने हाईलाइट किया हुआ है, दिस इज अ सम ऑफ एरर्स, ठीक है. दिस इज बेसिकली योर टारगेट कि हम कह रहे हैं हाउ मच एरर ऑन द फर्स्ट इंस्टेंस प्लस उसका स्क्वायर, हाउ मच एरर ऑन द सेकेंड इंस्टेंस उसका स्क्वायर एंड अप टिल सो ऑन, ठीक है. तो हम क्या कहते हैं कि हम जब इस सब के एरर्स को सम करें तो वी वुड गेट अ कम्युलेटिव एरर. तो हमने क्या करना है कि हम ये चाह रहे हैं कि इस कम्युलेटिव एरर को या इस समेटिव एरर को हम इसको मिनिमाइज करें, हम इसको ऑलमोस्ट जीरो करने की कोशिश करें ताकि हम ये कह सकें कि हमारा मॉडल कितना जो है वो बेहतरीन परफॉर्म कर रहा है. आगे चलते, ये आपको याद होगा कॉफिशियंट ऑफ डिटर्मिनेशन जो हमारे मॉडल की परफॉर्मेंस को हम देखते हैं कि हाँ जी हमारा जो ट्रेंड मॉडल है हमने उसको टेस्ट किया तो कितना बेहतरीन, इसको पढ़ते किस तरह आर स्क्वायर्ड, स्क्वायर्ड पढ़ते हैं इसको, ये जो मैंने बोल्ड किया ना आर स्क्वायर्ड, इसको हम क्या कहते हैं आर स्क्वायर्ड. एक्चुअली व्हाट इज इट, इट्स द ये जो है ना स्टैट्स भी आप पढ़ के आए होंगे तो आपको स्टैट्स को कॉन्सेप्ट्स यहाँ पे बहुत हेल्प करेंगे कि बेसिकली इस व्हाट ये जो कोरिलेशन का कॉफिशियंट था ना स्टैट्स में, कॉफिशियंट कोरिलेशन का जो उसका जस्ट ये स्क्वायर है. तो क्या हो रहा है कि यहाँ पे क्या है, इट्स अ बेसिकली स्क्वायर ऑफ कोरिलेशन ऑफ कोफिशिएंट, ठीक है. आर स्क्वायर की वैल्यू आपको क्या बताएगी कि हमारा मॉडल कितना अच्छा परफॉर्म कर रहा है, कि अगर हम टेस्ट डेटा को हम रन करते हैं तो अगर हमारे पास जो है जो कि आपको पता है कि हमने स्प्लिट किस तरह किया है 20% ऑफ द एग्जाम्पल्स, ठीक है, वो हमारा क्या बना रहा है टेस्ट डेटा. तो अगर हम उसके ऊपर हमारा जो ये आर स्क्वायर अप्लाई करते हैं तो क्या है कि अगर वो अच्छी परफॉर्मेंस दे रहा है जीरो और वन के बीच में, तो अगर वन दे रहा है क्लोज टू वन है तो हम क्या कहते हैं कि हमारा मॉडल जो है वो वेल ट्रेन्ड है, ठीक है. और अगर वन से बहुत कम है, जैसे मिसाल के तौर पे अगर हमारा आर स्क्वायर जो है वो 0.26 हो गया है तो हम क्या कह रहे हैं, और आपको ये बात पता है ना क्या मतलब है आर स्क्वायर का, कि हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल इनडिपेंडेंट वेरिएबल की बेस पे कितना एक्सप्लेन हो रहा है, कि हमारा इनडिपेंडेंट वेरिएबल बेसिकली डिपेंडेंट वेरिएबल को एक्सप्लेन कर रहा है. तो इसका मतलब है कि अगर आर स्क्वायर हमारे पास 26% है यानी कि 0.26 है, तो इसका क्या मतलब है कि हमारा जो इनडिपेंडेंट वेरिएबल है वो 26% हमारे डिपेंडेंट वेरिएबल को क्या कर रहा है, एक्सप्लेन कर रहा है या रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है. और तो इसका क्या मतलब है 26% या 0.26 हमारे पास आर स्क्वायर आ रहा है इन एनी मॉडल परफॉर्मेंस, इट्स नॉट अ गुड मॉडल. क्यों? क्योंकि ये जस्ट हमारा 26% हमारा जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है ना हमारे डिपेंडेंट वेरिएबल को रिप्रेजेंट कर रहा है. तो अगर हमारा क्लोज टू वन होगा तो इसका क्या मतलब है कि हमारा जो मॉडल है वो बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा है. तो अक्सर ऐसे होता है कि अगर आप इसको कंप्यूट करें ना तो आर स्क्वायर की वैल्यू कभी कभी पाइथन की बात कर रही हूँ क्योंकि हमने पाइथन में काम करना है, तो वो उसमें अक्सर ना आर स्क्वायर की वैल्यू नेगेटिव भी आ जाती है अगर हम उसमें बात करें. तो इसका मतलब भी यही है कि अगर नेगेटिव आ जाए ना उसमें पाइथन प्रोग्रामिंग के दौरान, तो इसका क्या मतलब है कि मॉडल जो है ना हमारा बिल्कुल रैंडम है. इसका क्या मतलब है कि बिल्कुल ही गंदी परफॉर्मेंस दे रहा है आपको आपका मॉडल. तो अब हम आगे जा रहे हैं मल्टीपल लीनियर रिग्रेशन की तरफ. जैसे मैंने आपको क्लास के स्टार्ट में ही बताया था कि मल्टीपल लीनियर रिग्रेशन का क्या मतलब है कि नाउ देयर इज एन इंटरवेंशन ऑफ मल्टीपल इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स एंड देयर इज अ वन डिपेंडेंट वेरिएबल, कि हमारे पास मल्टीपल फीचर्स की बेस पे वी आर ट्राइंग टू प्रिडिक्ट अ सिंगल फीचर, राइट. तो फिर क्या है कि हर एक पैरामीटर कह रही हूं, हर एक जो आपका वेरिएबल है वो एक डायमेंशन ऐड कर देता है. और आपने अभी एनिमेशन भी देख ली मल्टी की और लीनियर की, कि मल्टी में वो क्या है थ्री डायमेंशनल जो है ना वो आपका एक इमेजिनेशन एक मॉडल जो है ना वो उसमें जाता चला जाता है, ठीक है. तो थ्योरेटिकली तो आपको जो है ना वो फर्क महसूस होगा कि इन अ मल्टी एंड सिंपल लीनियर रिग्रेशन जो हम थ्योरेटिकली कॉन्सेप्ट्स अभी देख रहे हैं, बट जब हम इसको पाइथन में इंप्लीमेंट करेंगे ना तो उसमें ये इतनी आपको साइंस में मतलब आपको टेंशन में जाने की जरूरत नहीं होगी. वहां पे बस आपको जो है ना वो
जस्ट आपको मेथड्स यूज करने हैं और वो ऑटोमेटिकली जो है ना वो प्रॉब्लम के ऊपर जो है ना वो आपको काम कर देगा. जस्ट हम उसको अपने नंबर ऑफ वेरिएबल्स जो है ना वो हम अपने एल्गोरिदम को या अपने प्रोग्राम को जो है ना वो हम पास करेंगे. ठीक है, तो अब यहाँ पे अगर आप देखें ये जो मल्टीपल लीनियर रिग्रेशन की ये जो आपके सामने खुली हुई है एक चीज, इसको घबराना नहीं है देख के. आप ये देख सकते हैं यहाँ पे मल्टीपल एक्स हैं और मल्टीपल बीटाज हैं. या व्हाट आर बीटाज हियर? स्लोप्स. दे आर बेसिकली योर स्लोप्स, यानी कि ये आपके मॉडल के कोफिशियंट्स हैं, मॉडल के पैरामीटर्स हैं. एंड व्हाट इज बीटा नॉट हियर? इंटरसेप्ट. बीटा नॉट, आपको ना इंटरनेट पे भी आप देखें ना, आपने कंफ्यूज नहीं होना, बस आपके दिमाग में होना चाहिए एक स्लोप और एक इंटरसेप्ट. इसको रिप्रेजेंट करने के लिए मुख्तलिफ नोटेशंस लोगों ने यूज की हुई है, इसलिए मैंने यहाँ पे मुख्तलिफ नोटेशन लेके आई हूँ ताकि आपको मल्टीपल लोगों का जो है ना वो फ्लेवर मिले. जस्ट आपके दिमाग में होना चाहिए कि वॉट इज अ स्लोप एंड वॉट इज एन इंटरसेप्ट एंड दे आर द पैरामीटर्स ऑफ योर मॉडल. ठीक है, दे आर कोफिशियंट्स जिनको आपने क्या करना है, आपने आइडेंटिफाई करना है कि जो कि आपकी लाइन को बेस्ट रिप्रेजेंट कराएं आपके डेटा सेट के ऊपर. ठीक है, अब जैसे मिसाल के तौर पे आप यहाँ पे देखें, जब आप मल्टीपल रोज की बात करते हैं, अब आप मल्टीपल डायमेंशन में जा रहे हैं, तो अब आप जो है ना वो मैट्रिसेस फॉर्म में जाएंगे, मैट्रिसेस की उसमें चला जाएगा मामला. ठीक है, अब आप वेक्टर्स की, क्योंकि अब मल्टी डायमेंशनल हो गया ना मामला. ठीक है, तो अब मैट्रिसेस भी उसमें जाएंगे. जैसे मिसाल के तौर पर मैं आपको ये दिखाऊं, आपको याद होगा जब आपने रोज और कॉलम्स की मल्टीप्लीकेशन जब आप करते हैं तो उसका क्या मतलब है? ये जो ऊपर कॉलम्स है आप ये समझें ये मल्टीपल एक्स हैं, या आप ये समझें ये मल्टीपल फीचर्स हैं. ठीक है, ये मल्टीपल फीचर्स हैं आपके, और ये जो रोज हैं ये आपके डेटा सेट के इंस्टेंसेस हैं. ये बात समझ रहे हैं, इमेजिन कर रहे हैं मैं क्या कह रही हूँ, कि ये जो कॉलम वन, कॉलम टू, कॉलम थ्री, कॉलम फोर, ये क्या हैं आपके बेसिकली? अब कॉलम्स क्या हैं आपके, ये मल्टीपल की फॉर्म में, मल्टीपल लीनियर रिग्रेशन की टर्म में ये क्या हैं आपके पास? हैं बेसिकली, दे आर फीचर्स. ये बेसिकली आपके फीचर्स हैं, फीचर वन, फीचर टू, फीचर थ्री, फीचर फोर, जिनको मैं यहाँ पे क्या कह रही हूँ, आपका एक्स वन, एक्स टू, एक्स थ्री, एक्स फोर, दे आर मल्टीपल योर फीचर्स. ठीक है, एंड ये रो वन, रो टू, रो थ्री क्या है? इंस्टेंसेस. तो यहाँ पे क्या हो रहा है, और एक्स जीरो जीरो का क्या मतलब है? जीरो रो, जीरो कॉलम, जीरो रो. ठीक है, वन जीरो, टू जीरो. ठीक है, सॉरी यहाँ पे थोड़ी सी मिस्टेक है इसकी उसमें एनोटेशन में, क्योंकि जीरो से शुरू हुआ है. अगर वन वन हो तो इसका क्या मतलब है? अगर यहाँ पे मैं इमेजिन करूं कि यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, वन वन, तो इसका क्या मतलब है? फर्स्ट एग्जाम्पल का फर्स्ट फीचर. बिल्कुल ठीक है. और अगर मैं यहाँ पे बात करूं इसकी, यहां पे लिखा हुआ है लेट सपोज वन फोर, तो इसका क्या मतलब है? फर्स्ट एग्जाम्पल का फिफ्थ फीचर या फोर्थ फीचर. तो अब यहां पे क्या है, तो ये इसको इस तरह से अब हम रिप्रेजेंट करेंगे, और इस तरह से यूजिंग मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन इन द फॉर्म ऑफ वेक्टर्स आपकी जो है ना वो कंप्यूटेशन होगी. अब हम यहाँ पे चलते हैं, मल्टीपल लीनियर रिग्रेशन के जो पैरामीटर की एस्टिमेशन है वो किस तरह हो रही होती है. ठीक है, अब यहाँ पे जो बीटा हैट है, व्हाट इज इट, जल्दी बताएं, व्हाट इज बीटा हैट हियर? दिस इज अ व्हाट? बीटा हैट क्या मतलब? ये वेक्टर है बेसिकली, जो बीटा है अब एक वेक्टर है. ये पीछे देखें ना, ये देखें, ये बीटाज जो हैं वो क्या हैं? अब वेक्टर हैं. क्यों है इतने सारे स्लोप्स? Because it's a multi-dimensional world, ठीक है. अब हम मल्टी उसकी बात कर रहे हैं, मल्टी रिग्रेशन की. ठीक है, हर एक फीचर एक नई डायमेंशन ऐड कर रहा है, और देर आर मल्टीपल स्लोप्स ऑफ मल्टीपल योर पार्टिसिपेंट लाइन्स. ठीक है, और आपको पता है कि ये जो है एक्स ट्रांसपोज कैसे निकालते हैं मैट्रिक्स का इनवर्स, बेसिकली दिस इक्वेशन इज एन एस्टिमेशन. ठीक है, कि ये किस तरह से जो है ना आप लीनियर रिग्रेशन में किस तरह से जो है ना आपके वेक्टर्स की बेस पे आपकी जो है ना सारी कंप्यूटेशन जो है ना वो परफॉर्म हो रही होती है. ठीक है, तो फिर क्या है इसका मतलब, कि यहाँ पे भी हमारा टारगेट वही है कि हमने यहाँ पे और अल्फा यानी कि बीटा नॉट की अगर हम बात करें, तो वाई बीटा नॉट इज ऑनली वन, उसकी वजह क्या है? क्योंकि हमारे पास एक ही इंडिपेंडेंट वेरिएबल है जिसको हमने हमने आइडेंटिफाई करना है, और वहीं पर उसका क्या आ रहा है, इंटरसेप्ट आ रहा है. क्लियर, प्योर मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट है इसमें, वही मतलब कोई इतनी रॉकेट साइंस नहीं है. जिनको बहुत अच्छी, जिनकी मैथ्स उनको फौरन समझ आ चुका होगा, आ भी जाना चाहिए.
फर्दर कुछ हमारे पास सिंपल लीनियर रिग्रेशन के जो है ना वो पैरामीटर्स हैं, कुछ हमारे पास जो है ना वो एस्टिमेशन की मीट्रिसेस हैं जिनको हम समझेंगे. सबसे पहले ये सॉरी सम इफ लिख दिया मैंने यहाँ पे, सम ऑफ है ठीक है, सम ऑफ स्क्वेयर्ड एरर्स. ये हमने लास्ट टाइम पढ़ा था, व्हाट वाज दैट, के सारे जितने भी एरर्स हैं उसका सम, राइट. एंड रूट सम ऑफ स्क्वेयर्ड एरर्स का क्या मतलब है कि जब हम इसका एरर का हम जब स्क्वायर रूट ले लेंगे तो वो क्या बन जाएगा, रूट मीन स्क्वेयर्ड एरर, ठीक है. और फिर यहां पे क्या है, मीन सम ऑफ स्क्वायर्ड एरर का क्या मतलब है कि हमने इसी का जो है हमने क्या कर लिया, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन से हमने उसको डिवाइड कर दिया तो हमारे पास क्या आ गया, उसका मीन, ठीक है. और अगर इसी मीन का हम स्क्वायर रूट ले लें तो वो क्या बन जाता है, रूट मीन स्क्वायर एरर. ये वही है जैसे आप स्टैंडर्ड डेविएशन वगैरह वेरियंस वगैरह कंप्यूट करते थे, ठीक है. और आगे देखें आप, यहाँ पे क्या है, वही आपका कोफिशियंट ऑफ डिटर्मिनेशन जिसको हम आर स्क्वायर्ड कह रहे हैं, ठीक है. तो ये क्या कर रहा है, आपके मॉडल की परफॉर्मेंस को प्रिडिक्ट कर रहा है बेसिकली, कि अगर फॉर एग्जांपल एक मॉडल आपका आर स्क्वायर का आर्ट मॉडल वुड बी अ गुड परफॉर्मिंग मॉडल. ये हम पाइथन में करके देखेंगे, हमारे पास आर स्क्वायर आ रहा होगा वैल्यू, उस आर स्क्वायर की वैल्यू पे हम प्रिडिक्ट करें होंगे, अच्छा हाँ ये वाला मॉडल हमारा जो है वो परफेक्टली, परफेक्टली तो नहीं कहना चाहिए, इट्स अ गुड ट्रेंड मॉडल, ठीक है. तो 90.98 का क्या मतलब है, 98% हमारा जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स हैं वो हमारे डिपेंडेंट वेरिएबल को एक्सप्लेन कर रहे हैं, और 0.87 के केस में क्या है, 87%. तो आप खुद सोचें ना, एक स्टूडेंट है 87% वाला और एक है 98% वाला, तो जब स्कॉलरशिप मिलेगी किसको मिलेगी, 98% वाले को. और अगर हम उसको फर्स्ट या सेकंड थर्ड भी कहेंगे तो किसको फर्स्ट पोजीशन मिलेगी, 98% वाले को, ऑब्वियसली कॉमन सेंस की बात है. चले कुछ आगे मजीद टर्म्स देखते हैं. हाँ जी, गुडनेस ऑफ फिट, मजीद कुछ टर्मिनोलॉजीज हैं यहाँ पे. आप ये देखें, ये जो चीज है, ये क्या है आपका बेसिकली एरर, और इसको मैंने क्या कहा था, ये क्या होता है, प्रिडिक्टेड. तो ये हमारा वाई क्या है, दैट इज प्रिडिक्टेड, और ये वाला वाई ट्रू वाई, दैट इज नॉट ट्रू वाई, एक्चुअल वाई, ठीक है. तो हम बेसिकली इसको हम अंडरस्टैंड करना चाह रहे हैं. यहाँ पे देखें, ये हमने देखा था सम ऑफ टोटल ऑफ स्क्वायर एरर, बेसिकली दिस इज और टोटल वेरियंस, कि व्हाट इज इट, दिस इज टोटल वेरियंस, ठीक है. कि आपका जो वो याद है आपको, पिछले तो हमने जो एग्जांपल की थी वो जिसमें हम मीन से डेटा पॉइंट्स का हम डिफरेंस देख रहे थे, वो एग्जांपल याद है आपको, डॉट डॉट डॉट, हमने मीन की लाइन एक्स पे भी बना दी थी और वाई पे भी बना दी थी, हमने वाई का भी मीन निकाला था, एक्स का भी मीन निकाला था, याद है, इमेजिन कर रहे हैं उस वाली डायग्राम को. और हम क्या कर रहे थे कि जो हमारे डेटा पॉइंट्स थे उनका हम डिफरेंस देख रहे थे, कि मीन की रिस्पेक्ट से एक्स से मीन का डिफरेंस पॉइंट्स का और वाई से मीन का पॉइंट्स का कितना डिफरेंस है, ठीक है. तो हम यही बात कर रहे हैं कि हम इसको, ये जो है हम इसका एक्चुअल पॉइंट्स का मीन से हम डिफरेंस देख रहे हैं और उसका स्क्वायर का सम, और नीचे हम क्या कर रहे हैं, प्रिडिक्टेड का मीन से देख रहे हैं कि कितना उसका फर्क है, ठीक हो गया. तो ये वही वाली वैल्यूज हैं, ये बिल्कुल वही वाली बात हो रही है. यहां पे हम क्या कर रहे हैं कि हम एक्चुअल का डिफरेंस देख रहे हैं मीन से, और यहाँ पे हम किसका देख रहे हैं, प्रिडिक्टेड का हम मीन से देख रहे हैं, जिसको हम क्या कह रहे हैं, रिग्रेशन सम ऑफ स्क्वायर, ठीक है. दीज आर वेरियंस कंप्यूटेशंस. और हम यहाँ पे जो बात कर रहे हैं, ये वाली, यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं बेसिकली, दिस इज रेजिडुअल्स, दिस इज द सम ऑफ रेजिडुअल्स. मैंने आपको क्या कहा था, दिस इज एरर. तो ये क्या है, ये दिस इज द एरर सम, टोटल एरर सम, कितने एरर्स जो है ना हमारे पास टोटल आए हैं. दिस इज द एक्चुअल एरर्स, दीज आर द एक्चुअल रेजिड्यूअल्स, राइट. तो अब यहां पे बेसिकली हमारा क्या मकसद है, गुडनेस ऑफ फिट, कि हाउ वेल डज द सिंपल रिग्रेशन लाइन फिट द सैंपल डेटा. आपका कितना जो है ना वो डेटा को, हमारा जो मॉडल है वो कितना बेहतरीन तरीके से उसको जो है ना वो रिप्रेजेंट कर रहा है, यानी कि हमारे जो डिपेंडेंट वेरिएबल है वो हमारे इंडिपेंडेंट वेरिएबल से कितने बेहतरीन तरीके से जो है ना वो एक्सप्लेन हो रहे हैं. अब यहां पे देखें, इसको लिखने का तरीका एक और भी है. इफ आई से SSR, आपको पता है जब हमने किसी बंदे की परफॉर्मेंस देखनी होती है तो हम टोटल में से देखते हैं ना, कि जैसे मिसाल के तौर पे किसी क्विज के टोटल मार्क्स थे 10, एक बच्चे ने उसमें से कितने नंबर लिए हैं, एक ने, मतलब आप यही देखते हैं ना, इतने टोटल में से इतने किसने कितने नंबर लिए हैं. तो आप क्या करते हैं, टोटल में से आप उतने नंबर देखते हैं, यानी कि किसी ने 7 में से 10 लिए हैं, किसने सॉरी 10 में से 7 लिए हैं, किसी ने 10 में से 9 लिए हैं, किसी ने 10 में से 2 लिए हैं, ठीक है. तो क्या है, आप ये देखना चाह रहे हैं कि इन द टोटल ऑफ वेरिएंस आपके कितना जो है ना वो वेरिएंस एक्सप्लेन कर रहा है आपका मॉडल,
ठीक है, तो ये क्या है SST, आप ये समझे ये क्या है, टोटल वेरिएंस, ठीक है, और ये SSR क्या है आपका, एक्सप्लेन्ड वेरिएंस। SSR जो है वो क्या है आपका, एक्सप्लेन्ड वेरिएंस, और जो है आपका SST वो क्या है आपका, टोटल वेरिएंस। तो हम ये देखना चाह रहे हैं टोटल वेरिएंस में से कितना एक्सप्लेन्ड वेरिएंस है। तो अगर टोटल वेरिएंस में से एक्सप्लेन्ड वेरिएंस जो है वो बराबर हो जाए तो इट वुड बी वन, क्या आएगा वो वन होगा। इसीलिए कह रहे हैं कि इन आइडियल केस आर स्क्वायर्ड गिविंग यू अ वन, इसका क्या मतलब है कि हमारा जो मॉडल है वो आइडियल ट्रेंड हो गया, आइडियल है इस वक्त, ठीक है। एक और तरीके से इसको लिखते हैं, वन माइनस SST डिवाइडेड बाय SST, ठीक है, के रेजिडुअल्स डिवाइडेड बाय योर टोटल वेरिएंस, ठीक है, क्योंकि SSE क्या है हमारा, वेरिएंस का जो, सॉरी, जो रेजिडुअल्स का सम है, राइट। इसको इस तरह भी लिखते हैं, ठीक है। ये पीछे हमने सारी कॉन्सेप्ट जो है ना डिस्कस की है, तो रेंज आपको पता है आर स्क्वायर की क्या है, 0 और 1 के दरमियान है। तो अगर कोई मॉडल आपको जो है ना वो आर स्क्वायर 0.78 दे रहा है, तो इसका क्या मतलब है कि हमारा जो रिग्रेशन इक्वेशन है वो 78% ऑफ द वेरिएशन वाई की जो है वो एक्सप्लेन कर रहा है। इसका क्या मतलब है कि हमारा जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है वो 78% हमारे डिपेंडेंट वेरिएबल को एक्सप्लेन कर रहा है, स्टिल देर इज 22% जो कि एक्सप्लेन नहीं हो रहा चीज, ठीक है, बट स्टिल इट्स अ गुड परफॉर्मिंग मॉडल, ठीक है। हमारे दिमाग में ये बात होनी चाहिए कि हमारे मॉडल में मार्जिन ऑफ एरर होता है, ठीक है। तो हम क्या कर रहे होते हैं कि अपने प्रिडिक्शंस को जो है वो हर दफा हम इम्प्रूव करने की कोशिश करते हैं। अच्छा, जो मैंने अभी स्टार्ट में बात की थी कि देयर आर सर्टन अजम्पशंस, ठीक है, ये नहीं आपने दिमाग में लाना कि हाँ जी आपके पास एक डेटा सेट मौजूद है, आपके पास लीनियर रिग्रेशन का एल्गोरिदम मौजूद है, बस चुको और उसको उस डेटा के ऊपर जो है ना फिट कर दो और अब बस प्रिडिक्शनें करानी शुरू कर दो। ऐसा नहीं होता। कुछ सिचुएशंस हैं जो कि आपको अपने दिमाग में रखनी है कि ये सिचुएशंस हैं जिनको, इन सिचुएशंस को सेटिस्फाई करना जरूरी है अगर आपने कोई लीनियर रिग्रेशन मॉडल अपने डेटा सेट के ऊपर आपने अप्लाई करना है। जैसे मिसाल के तौर पे आप कहते हैं ना कि ये प्री कंडीशंस हैं इस कोर्स को पढ़ने की, कि अगर कोई बच्चा है उसने ऊप पढ़नी है तो देयर इज अ प्री कंडीशन कि उसको PF क्लियर होना चाहिए। ये बात समझ आ रही है कि अगर कोई बच्चा PF क्लियर किए बगैर ऊप पढ़ने आएगा तो क्या बनेगा, पढ़ सकता है या नहीं पढ़ सकता, नहीं पढ़ सकता ना। तो इसी तरह लीनियर रिग्रेशन या रिग्रेशन मॉडल को यूज करने के लिए किसी डेटा सेट के ऊपर आपके पास कुछ सर्टन प्री कंडीशंस होती हैं, ठीक है। सबसे पहले तो आपको अच्छी तरह पता है कि जब भी आपके पास डेटा आए तो उसको आपने क्या करना है, आपने उसको प्लॉट करके देखना है, ठीक है, आपने उसको प्लॉट करना है, उसका स्कैटर प्लॉट बना लें और फिर देखें कि इसका पैटर्न क्या है। अगर तो उसके अंदर एक पैटर्न है, ठीक है, लीनियर पैटर्न है, तो देन आप कहेंगे हाँ इसके ऊपर जो है ना वो एक लीनियर रिग्रेशन जो है ना अप्लाई हो सकता है। पहली तो आपके बात सबसे पहले तो ये है। उसके बाद फर्दर कुछ assumptions हैं जिनकी बेस पे आप सिलेक्ट करते हैं कि हाँ जी यहाँ पे लीनियर रिग्रेशन लगाना है या नहीं लगाना। और ये रिसर्च में 5 assumptions हैं जो आपके दिमाग में होनी चाहिए कि यहाँ पे लीनियर रिग्रेशन लगेगा कि नहीं लगेगा। assumption नंबर 1, सबसे पहली assumption क्या है कि लीनियरिटी ऑफ रिलेशनशिप एग्जिस्ट बिटवीन प्रिडिक्टर एंड रिस्पॉन्स। प्रिडिक्टर कौन होते हैं आपके, जो कि आपके इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स होते हैं जिनकी बेस पे आप कोई प्रिडिक्शन करवाना चाह रहे होते हैं, और जो रिस्पॉन्स वेरिएबल होता है वो कौन होता है आपका, वो डिपेंडेंट वेरिएबल जिसको आप प्रिडिक्ट कराना चाहते हैं, जो आपका इन आउटपुट होता है, जो आपका अननोन होता है, जो आपका रिस्पॉन्स होता है। तो पहली अजम्पशन क्या बात कर रही है, पहली अजम्पशन ये कह रही है कि हमने सबसे पहले ये देखना है कि देर इज अ लीनियर रिलेशनशिप एग्जिस्ट बिटवीन योर प्रिडिक्टर एंड योर रिस्पॉन्स वेरिएबल, ठीक है। और यही बात मैंने अभी कही है कि इसका सबसे अच्छा तरीका क्या होता है कि सबसे पहले आप उसको क्या करके देख लें, एक स्कैटर प्लॉट बना के देख लें कि जिससे आपको पता चले कि हाँ भाई इनके दरमियान कोई लीनियर रिलेशनशिप है भी कि नहीं। वो जैसे एग्जाम्पल आपको याद है कि लीनियर था नहीं ट्रेंड, और हाँ वो एक पैराबोलिक सा ट्रेंड था, वो याद है आपको 5 वो जो हमने वो देखे थे, ग्राफ्स देखे थे, तो हम उसके ऊपर लीनियर फिट करने की कोशिश कर रहे हैं तो क्या होगा, वो ठीक परफॉर्मेंस नहीं देगा। वही एग्जांपल जो मैंने आपको कही है कि बच्चे का टेम्परामेंट ही नहीं है मेडिकल पढ़ने वाला, वो एस्थेटिक्स उसकी क्रिएटिविटी है, हम उसको बजाय BCA कराने के हम उसे मेडिकल करवाएंगे तो क्या होगा, उसके रिजल्ट अच्छे नहीं आएंगे। इंस्टेड ऑफ अगर उसके लिए हम BCA ही सिलेक्ट करेंगे तो उसके रिजल्ट बहुत अच्छे आएंगे।
तो वहां पे कसूर बेचारे स्टूडेंट की इंटेलेक्ट का नहीं है, वहां पे उसकी फील्ड ऑफ चॉइस गलत हो गई है। तो यहाँ पे भी क्या मसला है कि यहाँ पे बेचारे मॉडल का कसूर नहीं है, आपने वहां पे सिलेक्शन ही गलत की है उसके लिए। अच्छा आगे चलते हैं, जम्पशन नंबर टू। जम्पशन नंबर टू क्या कहती है? जम्पशन टू कहती है कि नॉन कोलिनियरिटी बिटवीन इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स। अच्छा इसका कहने का क्या मतलब है कि जो आपके इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स है ना, इन द केस ऑफ किसकी बात हो रही है, ये हो रही है बात मल्टीपल की, ठीक है, मल्टीपल लीनियर रिग्रेशन की, कि जो हमारे इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स है ना उनके दरमियान लीनियर कोई रिलेशनशिप नहीं होना चाहिए, ठीक है, यानी कि उनके दरमियान को लीनियर रियलिटी एग्जिस्ट नहीं करनी चाहिए, यानी कि जो आपके इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स हैं वो दे मस्ट बी नॉन को रिलेटेड। बात समझ आई? कि जो के जैसे मिसाल के तौर पे हमारे पास हम प्रिडिक्ट करवाना चाह रहे हैं किसी बंदे की सैलरी, ठीक है, और हमारे पास जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स हैं या जो प्रिडिक्टर वेरिएबल्स हैं वो है हमारे पास कौन कौन से, एक्सपीरियंस और एज। तो अब आप ये देखें क्या एक्सपीरियंस और एज दोनों के दरमियान कोई कोरिलेशन हो सकता है या नहीं हो सकता? हो सकता है, इनके दरमियान हो सकता है एक कोरिलेशन, क्यों नहीं हो सकता? आप देखो आपका एज है और आपका एक्सपीरियंस है, ठीक है, कोई बहुत ही, आप देखो कोई बंदा 25 साल का, उसका 20 साल का एक्सपीरियंस तो नहीं हो सकता ना, आप खुद सोचो उसका 20 साल का एक्सपीरियंस हो जाएगा काम का, खुद 25 साल का 20 साल का एक्सपीरियंस। आप देखो जूं जूं आपकी एज बढ़ती है आपका एक्सपीरियंस बढ़ता जाता है, तो देर इज अ लीनियर रिलेशनशिप अमंग देमसेल्व्स, उनके दरमियान में को लीनियर कोरिलेशन मौजूद है कि नहीं है, बताएं मुझे, मौजूद है। तो यहाँ पे कंडीशन क्या है कि जो हमारे प्रिडिक्टर वेरिएबल्स हैं जिन्होंने हमारा एक आउटपुट या हमारा जो रिस्पॉन्स वेरिएबल जिसको उसने प्रिडिक्ट करना है उनके दरमियान क्या होनी चाहिए, कोरिलेशन नहीं होनी चाहिए। तो अगर उनके दरमियान कोई हल्की फुल्की सी कोई कोरिलेशन एग्जिस्ट करती है तो वो भी जो है ना वो हम फिक्स कर सकते हैं, अगर कोई बहुत स्मॉल सी उनके दरमियान कोई आ रही है ना उनके दरमियान कोरिलेशन, ठीक है, तो हम उसका मैग्नीट्यूड चेक कर सकते हैं, और वो मैग्नीट्यूड हम किस तरह चेक कर सकते हैं कि किसके दरमियान कितनी है, हम करेंगे इंशाल्लाह ताला वो हम कोरिलेशन मैट्रिक्स के थ्रू, और पाइथन में इसके अंदर मौजूद हैं फंक्शन, वो भी हम करके देखेंगे इंशाल्लाह। इसको हम कहते हैं डेटा साइंस की इस्तेलाह में हम कहते हैं इसको ईडीए, एक्सप्लोरेटरी डेटा एनालिसिस, हम डेटा को एनालाइज कर रहे होते हैं कि हाँ जी अजम्पशन टू के ऊपर कहीं फोर्थ तो नहीं हो जाती हमारी कंडीशन, के कोई ऐसा तो नहीं हमारे इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स जो कि आपस में जो है ना वो कोरिलेट कर रहे हो, ठीक है। तो फिर हम क्या करते हैं, जब भी हमने मॉडल को ट्रेन करना हो तो हम पहले उसकी क्या करते हैं, कोलिनियरिटी चेक करते हैं इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स के दरमियान। हम क्या कर सकते हैं, इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स को ऐड कर सकते हैं, रिमूव कर सकते हैं, उनको हम ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं, अगर हमने बता रही हूँ ना कि अगर उनके दरमियान कोलिनियरिटी एग्जिस्ट करती है और हम चाह रहे हैं उसको यूज करना और कोई थोड़ी बहुत एग्जिस्ट करती है तो हम क्या कर सकते हैं, उसको हम ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई कर सकते हैं, दैट इज द केस ऑफ योर प्री प्रोसेसिंग। चलें अब आगे चलते हैं अजम्पशन नंबर थ्री के ऊपर कि नॉर्मैलिटी ऑफ रेसिडुअल्स। जब भी मैं बात करती हूँ एक नॉर्मल कर्व की, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की, तो आपको बात समझ आती है कि व्हाट इज अ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, जिसमें मीन के अराउंड डेटा का जो क्लस्टर है वो ज्यादा होता है और मीन से साइडों पे जब आप 3 स्टैंडर्ड डेविएशन या आगे पीछे जाते हैं तो क्या होता चला जाता है, वो आपका जो जो क्लस्टर है वो जरा कम होते चले जाते हैं, डेटा पॉइंट्स जो है ना वो एजेस पे कम होते चले जाते हैं। तो ये जो थर्ड जम्पशन है वो क्या कह रही है कि जब हम एरर्स को एक्स एक्सिस के अगेंस्ट प्लॉट करें, ठीक है, तो हमारे पास क्या बना रही हो, वो एक नॉर्मल कर्व बना रही हो, यानी कि जब हम एरर्स को प्लॉट करें ना अपने एक्स एक्सिस, यानी कि हर एक एक्स की वैल्यू पे हमारे पास एरर कितनी आ रही है या हमारा वेरियंस कितना आ रहा है, तो हमारे पास क्या बन रही हो, हमारे पास एक नॉर्मल कर्व बन रही हो, ठीक है, एक नॉर्मल पैटर्न जो है ना हमारे पास फॉलो हो रहा हो, दैट इज द कंडीशन, ठीक है। और इसका क्या मतलब है, जब एक नॉर्मल कर्व बनेगी ना इसका मतलब है कि हमारे पास एरर्स जो है ना वो रैंडम है, एरर्स हमारे पास रैंडमली जनरेट हो रहे हैं, नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड ग्राफ है। इसका क्या मतलब है कि हमारे एरर्स के दरमियान जो है ना वो कोई रिलेशन नहीं है, इंडिपेंडेंट एरर्स, एरर्स रैंडम है, ठीक है। तो क्या है, हमारा जो एरर्स का जो डेटा है ना विद रिस्पेक्ट टू योर एक्स वैल्यूज दैट शुड बी नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड। अभी मैं आपको इसको आगे दिखाती भी हूं, जैसे मिसाल के तौर पर ये देखें, किधर गया, ये देखें, यहां पर आप ये देख रहे हैं
ये हर एक्स के ऊपर जो आपके ये मैंने एरर प्लॉट किए हुए, ठीक है, वेरिएंस प्लॉट किया हुआ है, तो क्या है ये जो ये होगा ना मीन, ये जो बीच में है इसके मीन के सराउंडिंग में आपके पास ज्यादा होंगे और साइडों में आपके पास कम होंगे। इसका मतलब है कि ये जो एरर्स का प्लॉट है ये क्या है, ये नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, इसी तरह एक्स टू पे, इसी तरह एक्स थ्री पे। तो क्लियर है ये बात जो मैं इतनी देर से कर रही थी, ये बात समझ आई है कि एरर्स को अगर हम एक्स की वैल्यूज के हर एक एक्स के अगेंस्ट प्लॉट करेंगे तो वो क्या होना चाहिए, वो नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होना चाहिए। ठीक है, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूटेड शो होता है। इसका क्या मतलब है कि हमारे पास जो एरर्स हैं वो रैंडम है। ठीक है, इसका एक और मतलब क्या है कि हमारे एरर्स जो हैं वो क्या हैं, विद रिस्पेक्ट टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स दे आर हैविंग नो रिलेशन, दे आर रैंडम। ओके, अगला अगला अगर आपके पास ये वाली अजम्पशन आपको समझ आ गई है तो फोर्थ अजम्पशन, फोर्थ अजम्पशन क्या है कि होमोस्केडास्टिसिटी, ये होमोस्केडास्टिसिटी का क्या मतलब है, इट मींस स्केडास्टिसिटी का मतलब है वेरिएंस, स्केडास्टिसिटी मींस योर वेरिएंस, स्केडास्टिसिटी इज योर वेरिएंस। ठीक है, स्केडास्टिसिटी का क्या मतलब है कि और या वेरिएंस का क्या मतलब है कि हमारा डेटा कितना स्कैटर्ड है, हाउ मच डेटा इज स्कैटर्ड। If your data is homoscedastic, इसका क्या मतलब है कि जो variance है ना वो हर एक stage पे एक ही जैसा है, यानी कि हर एक value of x पे जो आपका variance है वो stable है। जैसे मिसाल के तौर पे आप इसको देखें, ये पहली वाली, ये देखें, this data is scedastic, ये क्या है third, sorry fourth क्या है कि data आपका जो है वो क्या होना चाहिए, स्किडास्टिक होना चाहिए, होमोस्किडास्टिक होना चाहिए, कि जब आप इसका रेजिडुअल्स का स्कैटर प्लॉट बनाएं तो उसके अंदर कोई पैटर्न नहीं बनना चाहिए। ठीक है, कोई पैटर्न ना बन रहा हो, वो जो स्कैटर प्लॉट है ना वो बिल्कुल क्या होना चाहिए, स्कैटर्ड होना चाहिए। अब जैसे होमोस्किडास्टिक के केस में आप ये देखें, अगर ये एक्स है तो हर एक्स की वैल्यू पे जो वेरियंस है वो देखें एक ही जैसा आ रहा है, एक ही जैसा है ना, रैंडम एक ही जैसा उसका एक जो है ना वो वेरिएंस एक ही जैसा आ रहा है। ये बात समझ आ रही है आप लोगों को? मगर आप ये देखें हीट्रोस्किडास्टिक की केस में, हीट्रो मींस डिफरेंट, ये भी हीट्रो है, ये भी हीट्रो है। यहां पे देखें फैन इन का क्या मतलब है, अगर ये मैं ये बीच में देखूं तो ये फैन इन हो रहा है, कहीं पे वेरियंस ज्यादा हो रहा है एक्स, कहीं बीच में आके वेरियंस जो है वो डिफरेंट हो गया है, फिर आगे जाके वेरियंस जो है वो क्या हो गया है, फिर फैन आउट की पोजिशन बन गई है। और यहाँ पे आखिरी में देखें हेट्रोजेनस में क्या है, ये फैन इन है कि फिर कहीं जाके वो जो है ना वेरिएंस चेंज होने लग गया है। तो इसका मतलब है कि ये हीट्रोस्किडास्टिक अगर आपके जो है ना वो आ रहे हैं ना वेरिएंसेस, तो दैट वुड डिसक्वालिफाई द अजम्पशन टू अप्लाई योर लीनियर रिग्रेशन, ठीक है, या मल्टी लीनियर रिग्रेशन। तो क्या होना चाहिए, इसका कंडीशन क्या है कि डेटा शुड बी होमोस्किडास्टिक। सो रैंडम एरर की वेरिएशन, ठीक है, वही बात के एरर्स जो है ना वो आपके पास क्या होने चाहिए, रैंडम होने चाहिए। ठीक है, रेजिडुअल्स का कोई भी ऑटो कोरिलेशन नहीं होना चाहिए, रेजिडुअल्स मस्ट बी इंडिपेंडेंट। तो क्या है एरर्स की जो वेरिएशन है, रैंडम एरर्स की जो वेरिएशन है वो यही बात कर रही है कि दिस ऑल एम्प्लॉयज टू डैट और एरर इज अ रैंडम एरर। ठीक है, रैंडम एरर का क्या मतलब है कि देर मस्ट बी नो पैटर्न इन योर एरर। अगर हम x के अगेंस्ट एरर्स को या रेजिडुअल्स को प्लॉट करें तो देयर शुड नॉट बी एनी पैटर्न। इट मींस कि यहाँ पे क्या होने चाहिए, एरर्स रैंडम है, और अगर यहाँ पे कोई पैटर्न बन रहा है तो इसका मतलब है कि एरर रैंडम नहीं है। तो अगर हम रैंडम एरर्स का प्लॉट बनाएंगे तो वो क्या बनेगा, वो एक नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड पैटर्न शो करेगा। नाउ इट्स टाइम फॉर हैंड्स ऑन। ठीक है, अब हम करेंगे हैंड्स ऑन, थोड़ा सा काम शुरू करेंगे आज। ओके, अच्छा हम स्टार्ट करते हैं अपना काम इम्प्लीमेंटेशन से। ठीक है, तो इम्प्लीमेंटेशन में जब भी आपने जाना है, हम डेफिनेटली पाइथन में काम करेंगे, तो पाइथन में जब हमने काम करना है तो जब भी आपका काम शुरू होगा, आपको पता है डेटा साइंस मशीन लर्निंग का सबसे पहली प्री कंडीशन क्या है, आपके पास क्या होना चाहिए, डेटा। सबसे पहली कंडीशन ही हमारे पास क्या है कि हमने अगर मशीन लर्निंग अप्लाई करनी है तो वी शुड हैव डेटा, ऑब्जर्वेशंस, हिस्टोरिकल डेटा हमारे पास मौजूद होना चाहिए। अब सबसे पहला स्टेप क्या है कि वी नीड टू एक्वायर आर डेटा सेट। हम अपना काम कहाँ से शुरू करते हैं, एक डेटा सेट से,
और हमारे पास लॉट्स ऑफ अवेलेबल डेटा सेट्स मौजूद हैं जो कि फ्री हैं, पब्लिकली अवेलेबल है हमारे पास, ठीक है। उसमें से हमारे पास एक वन ऑफ द जिसको हम आज एक्सप्लोर करेंगे, दैट इज यूसीआई रेपोजिटरी। रेपोजिटरी का क्या मतलब होता है? डेटा स्टोर, कलेक्शन ऑफ डेटा, डेटा स्टोर, डेटा रेपोजिटरी, जहाँ पे मल्टीपल डेटा सेट्स जो है ना वो मौजूद होते हैं, ठीक है। और जो यूसीआई की रेपोजिटरी है, इट्स अ स्टैंडर्ड, ठीक है, इट्स अ डिफेक्टो जो कि मशीन लर्निंग के रिसर्चर्स यूज करते हैं, मशीन लर्निंग के प्रैक्टिशनर्स यूज करते हैं, वहाँ पे कॉम्पिटिशन हो रहे होते हैं, मुख्तलिफ डेटा साइंटिस्ट वहाँ पे कॉम्पिटिशन कर रहे होते हैं, ठीक है। लोग अपने डेटा सेट्स फ्री वहाँ पे अपलोड कर रहे होते हैं क्या क्या, ताकि लोग अपना अपना जो है ना मशीन लर्निंग उसके ऊपर लर्न कर सकें, एनालिटिक्स अप्लाई कर सकें, डिफरेंट तरह की प्रिडिक्शंस के लिए उन डेटा सेट्स को, मुख्तलिफ मशीन लर्निंग की ट्रेनिंग्स के लिए उन डेटा सेट्स को जो है ना वो यूज कर रहे होते हैं, ठीक है। सीएसवी फाइल्स, आपको पता है सीएसवी फाइल क्या होती है? कॉमा सेपरेटेड फाइल, ठीक है, कॉमा सेपरेटेड फॉर्मेट। और उसको अगर आप एक्सेल में करें तो वो आपको पता है वो एक स्ट्रक्चर्ड फॉर्म में, टैबुलर फॉर्म में उसको जो है ना वो खोल देती है, और अगर आप उसको नोटपैड में खोलें तो वो कॉमा से सेपरेट करके खोलती है। एक्सेल फाइल में डेटा को खोलते हैं तो वो कॉलम्स और रोज में आपको देती है, और अगर सीएसवी फाइल में खोलते हैं तो आपको पता है ना कि वो क्या करती है, वो कॉमा से सेपरेट करती है डेटा को, ठीक है। तो आज हम अपने एक पहले डेटा सेट के ऊपर काम करेंगे, सीरियल्स का डेटा सेट है, ठीक है, उसको मैं आपको बताती हूँ। इसको देखें, यहाँ पे देखें, इस डेटा सेट का जो है वो मल्टीपल कॉलम्स हैं, मल्टीपल रोज हैं, हम इसके ऊपर काम करेंगे, ठीक है। फर्स्ट कॉलम का क्या नाम है? MFR। और आप देखें फर्स्ट कॉलम कुछ यहाँ पे न्यूमेरिक है, कुछ यहाँ पे जो है ना वो आपके जो वैल्यूज हैं वो न्यूमेरिक हैं, कुछ आपकी जो है वो अल्फाबेटिक है, मुख्तलिफ तरह की चीजें। MFR का कॉलम और ये दूसरा जो टाइप का कॉलम है, ये जो है ना ये आपके अल्फाबेटिक हैं, ठीक है। तो अब हम क्या कर सकते हैं, चलें, अच्छा, और फिर वही बात है, जब भी आपको डेटा सेट डाउनलोड करते हैं ना तो आप उसकी डेटा डिस्क्रिप्शन से देख सकते हैं कि हाँ जी इसके अंदर मल्टीपल जो कॉलम्स हैं वो क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं। मैं भी आपको करके दिखाऊंगी, सारा मैं बताऊंगी अभी, आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। जब भी डेटा डिस्क्रिप्शन देखते हैं ना तो वो आपको क्या बता रहा होता है कि हाँ जी इस डेटा सेट के अंदर कितने जो है ना फीचर्स हैं, कितनी टाइप ऑफ मशीन लर्निंग के टास्क आप परफॉर्म कर सकते हैं, आप इस पे रिग्रेशन कर सकते हैं, इस पे क्लासिफिकेशन कर सकते हैं, इस पे क्लस्टरिंग कर सकते हैं, कोई टाइम सीरीज का आप एनालिसिस कर सकते हैं, मुख्तलिफ आप कौन कौन से टास्क आप इसके ऊपर अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। देन उसके बाद हमारा इसका फोकस किसके ऊपर है? रिग्रेशन के ऊपर है, ठीक है। तो हम उन ज्यादातर डेटा सेट्स को देखेंगे जो कि रिग्रेशन के टास्क के लिए जो है ना वो ज्यादा सूटेबल है, के क्योंकि अभी तक हमने, आपको पता है ना, डेटा प्रोसेसिंग हमने, सॉरी, डेटा प्री प्रोसेसिंग हमने नहीं पढ़ी। तो हम अभी उन डेटा सेट्स के साथ हम बस प्ले करेंगे जिनके अंदर, जिसके अंदर ज्यादातर जो वैल्यूज हैं वो कौन सी होंगी? न्यूमेरिक है, कि डेटा शुड बी न्यूमेरिक इफ यू वांट टू अप्लाई योर रिग्रेशन, न्यूमेरिक डेटा होना चाहिए। तो अभी आप ये देखें कि ये जो सीरियल डॉट सी एस वी के जो हमारे पहले दो कॉलम है, दे आर नॉट न्यूमेरिक, दे आर अल्फाबेटिक, बट इन अ प्री प्रोसेसिंग स्टेज हम जो है ये काम कर सकते हैं कि हम अपने जो हमारा न्यूमेरिक वैल्यूज नहीं है ना, हम उनको कन्वर्ट कर सकते हैं, हम उनको डिकोड कर सकते हैं, हम इनको इनकोड कर सकते हैं एज ए न्यूमेरिक वैल्यू। हम करेंगे इंशाल्लाह ताला, जब हम पढ़ेंगे ना डेटा प्री प्रोसेसिंग, तो हम क्या करेंगे, हम डेटा को ना चेंज करेंगे, हम डेटा को कन्वर्ट करेंगे, हम डेटा को इनकोड करेंगे अगर हमने न्यूमेरिक वैल्यू के ऊपर काम करना है। तो क्या है कि आपको फिर थोड़ा सा वैसे ही बता दूं कि प्री प्रोसेसिंग क्या होती है, कि इसके अंदर हम डेटा की स्केलिंग कर सकते हैं, नॉर्मलाइजेशन कर सकते हैं, डेटा को इनकोड कर सकते हैं या कन्वर्ट कर सकते हैं, जिस भी फॉर्मेट में हमें डेटा चाहिए ना तो हम उसको क्या कर सकते हैं, उसमें हम चेंज कर सकते हैं। तो अभी आप इसको देखो, अगर हम इस डेटा सेट को अंडरस्टैंड करें तो आप यहां देखो कि यहां पे आप ये देखें कि यहां पे लिखा हुआ है एक कॉलम है कप, ठीक है। कप के अंदर क्या लिखा हुआ है? रो वन में 0.33। इसका क्या मतलब है कि 0.33 अगर सर्विंग है ना किसी कप की, यानी कि 0.33 समथिंग मिलीग्राम या वॉट एवर इट इज, जो भी इसका यूनिट है, तो इस सर्विंग में, इस इतनी कप की सर्विंग में कितना कैलोरीज जो है ना वो है, किस सीरियल की? 100% ब्रांड की। इसमें कितनी कैलोरीज है? 70 कैलोरीज, ठीक है। और इसमें कितनी प्रोटीन है? 4 पॉइंट्स प्रोटीन है, 1 पॉइंट फैट है, 25 विटामिन है, इसी तरह से जो इसका वेट है वो 1 है, और आखिरी जो है ना इसका देखें वो क्या है, वो आपका डिपेंडेंट वेरिएबल है, यानी कि क्या है, आपका रिस्पॉन्स वेरिएबल है। रेटिंग, यानी कि रेटिंग का क्या मतलब है कि हाउ मच पॉपुलर दिस सीरियल इज, हाउ मच पॉपुलर इट इज, दिस इज 68.40। अब यहां पे देखें आखिरी कॉलम में,
एक आपका सीरियल है जो कि 93.70 जो है ना वो समथिंग वो पॉपुलर है, या उसकी रेटिंग कितनी आ रही है, 93.70। उसकी क्या वजह है कुछ हम देखेंगे। उसका क्या नाम है, इसका नाम है ऑल ब्रान विद एक्स्ट्रा फाइबर, बिकॉज इट्स वेरी पॉपुलर, क्योंकि इसमें ये कम फैट दे रहा है, कम कैलोरीज दे रहा है। ठीक है, ये बातें नजर आ रही है। तो अब इन फीचर्स की बेस पे हम एक ऐसा मॉडल बिल्ड करेंगे कि अगर कोई ऐसा सीरियल जो है हम इन पैरामीटर्स की बेस पे हम उसको अगर लॉन्च करते हैं, तो हम ये प्रिडिक्ट करना चाहते हैं कि वो कितना जो है ना वो मार्केट में सक्सेसफुल होगा, या मार्केट में वो कितना जो है ना वो पॉपुलर होगा। अगर हमने कोई नया सीरियल जिसके अंदर ये वाले पैरामीटर्स हों, ठीक है, उसके अंदर इतना फैट्स हो, इतने कैलोरीज हो, ये हो वो, तो वो हमें मार्केट में वो हमारे पास कितना जो है ना वो पॉपुलर होगा, वी वांट टू प्रिडिक्ट दैट। और अगर कोई इतनी पॉपुलैरिटी नहीं लेता, तो फिर हम वहां पे डिसाइड करेंगे कि हमें ये लॉन्च करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। बिकॉज आप ये देखें ना, कुछ ऐसे आपके पास सीरियल्स, अभी आप इसको देखें, यहाँ पे बहुत सारे ऐसे सीरियल्स हैं जिनकी रैंकिंग कम भी है। देख रहे हैं आप लोग ये चीज, नोट करें, जल्दी बताएं मुझे कि देखिए कुछ ऐसे सीरियल्स हैं जिनकी कम कम भी पॉपुलैरिटी है। तो हम ये अब नया जो सीरियल है हम देखना चाह रहे हैं कि हाँ जी हम कोई ऐसा सीरियल लॉन्च करें कि वो पॉपुलैरिटी लेगा इन पैरामीटर्स की बेस पे। तो हमें क्या है, हम पहले डिसीजन कर लेंगे, हम पहले ही प्रिडिक्ट कर लेंगे। तो अभी तो आप ये देखिए कि हमारे पास ये डेटा सेट छोटा है। हाउ मेनी रोज आर देयर जस्ट इन दिस डेटा सेट, दे आर जस्ट आई गेस 78 रोज आर देयर। इट्स अ वेरी स्मॉल डेटा सेट। आपको पता है जो रियल लाइफ डेटा सेट जिनके ऊपर हम काम करेंगे, देयर वुड बी इन हंड्रेड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ एग्जांपल्स और इंस्टेंसेस देयर वुड बी देयर। ठीक है, और हम क्यों यूज करेंगे, हम इन डेटा सेट्स को यूज करेंगे ताकि हम इनको डाउनलोड करें और अपने मॉडल को हम ट्रेन करें। अच्छा, अब इसको हम अंडरस्टैंड करते हैं। जब भी आपने ये खोली ना, तो ये आपको ना यूसीआई की उसने रेपोजिटरी दिखा दी है कि यहाँ से भी बेशुमार डेटा सेट्स मौजूद है, आप इनको डाउनलोड करें और अपनी जो है ना डेटा साइंस अप्लाई करें। ठीक है, अब अगर फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे करती हूँ ना, मैं कहती हूँ कि मैं ये देखना चाह रही हूँ कि हाँ जी अभी तक तो कितने डेटा सेट जो है ना यहाँ पे पब्लिश हो चुके हैं। तो मैं अगर यहाँ पे करूँ ना व्यू ऑल डेटा सेट्स, तो ये देखें मुझे क्या दिखा रहा है। वाओ, ये मेरा हाल है लास्ट 3 महीने पहले मैंने देखा तो यहाँ पे 585 डेटा सेट्स थे। तो यहाँ पे देखें, अभी मैं देख रही हूँ तो 588 डेटा सेट्स हो गए हैं। तो क्या होता है, लोग यहाँ पे रिसर्चर्स एकेडमिशियंस अपने जो है ना डेटा सेट्स अपलोड करते रहते हैं, ताकि आप जैसे स्टूडेंट्स या जिन लोगों ने मशीन लर्निंग मॉडल्स बनाने हैं, वो इन डेटा सेट्स के ऊपर अपने मॉडल्स को जो है वो ट्रेन करें और मशीन लर्निंग को जो है वो एक्सप्लॉइट कर सके। ठीक है, अब यहाँ पे देखें मुख्तलिफ किस्म की चीजें आपके सामने आ रही होंगी। अगर अब इसको देखते जाते हैं, यहाँ पे देखें आप बहुत ध्यान से देखिएगा कुछ बातें, कि यहाँ पे आप देखें ये जो कॉलम है, नेम वाला कॉलम, नेम वाले कॉलम का क्या मतलब है, यहाँ पे क्या दे रहा है कि ये इस डेटा सेट का नाम क्या है। ठीक है, इस डेटा सेट का नाम क्या है, जैसे अब सीरियल वाला डेटा सेट हमने देखा था ना, उसका क्या नाम था, सीरियल, सीरियल डॉट सीएसवी। तो इस डेटा सेट का एक नाम है। उसके बाद आप आगे देखें, नेक्स्ट कॉलम जो शो कर रहा है डेटा टाइप, इसका क्या मतलब है, डेटा टाइप का क्या मतलब है कि ये मल्टी वेरिएट है, यूनिवेरिएट है, या क्या है इसके, ये किस तरह का इसके अंदर डेटा टाइप। आगे देखें डिफॉल्ट टास्क का क्या मतलब है, डिफॉल्ट टास्क का ये मतलब है कि किस तरह के एमएल के टास्क हम इसके ऊपर परफॉर्म कर सकते हैं। जैसे मैं बात करती ना, क्लासिफिकेशन करवा सकते हैं, रिग्रेशन करवा सकते हैं, क्लस्टरिंग करवा सकते हैं, क्या करवा सकते हैं इसके ऊपर। देन उसके बाद आपके पास है एट्रीब्यूट टाइप्स। ठीक है, यहाँ पे क्या है, एट्रीब्यूट टाइप इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स के, यानी कि जो फीचर्स हैं वो जो मेंशन है वो कौन कौन से हो सकते हैं, कैटेगोरिकल है, इंटीजर है, रियल है, आपको एट्रीब्यूट की टाइप्स होती हैं आप डेटा। देन नंबर ऑफ इंस्टेंसेस का क्या मतलब है कि इस डेटा सेट के अंदर कितनी नंबर ऑफ रोज हैं। इन द सीरियल वन वी हैड 78 रोज और इंस्टेंसेस और वट एवर यू कैन से एग्जाम्पल्स, टपल्स, वट एवर यू से। एंड नंबर ऑफ एट्रीब्यूट्स, सेकेंड लास्ट कॉलम, वट डज इट मीन, इट मीन्स हाउ मेनी फीचर्स आर प्रेजेंट, इसके अंदर कितने फीचर्स मौजूद हैं। ठीक है, देन ईयर, ईयर का क्या मतलब है कि ये जो डेटा सेट है ये अपलोड कब हुआ था। ठीक है, मैंने आपको बताया ना कि लोग इसके ऊपर, मैंने अभी पिछले 2 महीने पहले देखा तो देवर 585 आई गेस डेटा सेट्स वर रजिस्टर्ड, बट अभी हमने जब देखा है इसको तो हाउ मेनी डेटा सेट्स आर अवेलेबल, 588 डेटा सेट्स। तो ये पता चल रहा है यहाँ पे कि हाँ जी ये डेटा सेट जो है ये कब पब्लिश हुआ है। तो अब इसको नीचे एक्सप्लोर करके देखेंगे ना, पता चलेगा 2028, 12, 13, ये देखें कि कब ये पब्लिश हुए हैं। ये देखें 2020 के भी आ रहे हैं, 2021 का भी एक आया हुआ है। अच्छा, इसके अलावा एक और भी रिपोजिटरी है, यूसीआई के अलावा भी एक रिपोजिटरी है जो कि आप यूज कर सकते हैं, दैट इज केगल।
इसके ऊपर भी जो है ना काफी सारे डेटा सेट्स जो है ना वो अवेलेबल है, ठीक है। तो अगर आप कोई भी पर्टिकुलर डेटा सेट डाउनलोड करना चाहते हैं तो आपने जो है वो क्या करना है, इसको आप डाउनलोड कर सकते हैं। अच्छा, अब अगर आप जैसे अपनी फिल्टर नहीं करते सर्च कि आप कोई पर्टिकुलर डेटा सेट आप देखना चाह रहे हैं, हाँ जी किसको आपने जो है ना वो चूज करना है अपने मशीन लर्निंग टास्क के लिए, तो आप वो भी कर सकते हैं यहाँ से। हाउ, ये देखें यहाँ पे आपका लेफ्ट हैंड साइड पे आ रहा है डिफॉल्ट टास्क। फॉर एग्जाम्पल, डिफॉल्ट टास्क का क्या मतलब है कि अगर आपने यहाँ पे आप कहते हैं जी मुझे जो है ना वो सिर्फ वो डेटा सेट दिखाओ जो कि रिग्रेशन के टाइप के टास्क के लिए सूटेबल हो, तो मैं क्या कर लूंगी यहाँ पे उसको रिग्रेशन को क्लिक कर दूंगी, ठीक है। तो मुझे क्या करेगा, उन वाले को दिखाएगा जो कि रिग्रेशन के टास्क के लिए सूटेबल है। अगर मैं ये चाह रही हूँ मुझे वो वाले दिखाओ के जैसे फॉर एग्जाम्पल ऐसे डेटा सेट्स जिसके जो कि ना जस्ट न्यूमेरिकल एट्रीब्यूट्स पे काम करें, तो मैं क्या करूंगी उसको न्यूमेरिकल को जो मैंने क्लिक कर दूंगी, ठीक है। उसके बाद फर्दर भी मैं इसको मैं कह रही हूँ आगे, जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं मल्टीवेरिएट, मैं यूनिवेरिएट यानी कि यूनिवेरिएट एक वेरिएट कॉलम के ऊपर काम नहीं, मैं मल्टीपल कॉलम्स के ऊपर काम करना चाह रही हूँ, तो मजीद इसको क्या कर देगा वो फिल्टर आउट कर देगा, ठीक है, मल्टीवेरिएट डेटा आपको दे देगा। नाउ मैं कोई डोमेन भी यानी कि मैं कौन से डोमेन के डेटा सेट के ऊपर काम करना चाह रही हूँ, मैं इंजीनियरिंग का, बिजनेस का, कौन सा जो है ना मैं करना चाह रही हूँ, लाइफ साइंसेस का, सिविल इंजीनियरिंग का, किसका, जिसको करूंगी वो मजीद उसके डेटा सेट्स आपको ना देने शुरू कर देगा। तो ऊपर देख रहे हैं आप ये काउंट, काउंट जो है ना वो क्या कर रहा है, वो आपको बता रहा है कि ये कितने नंबर ऑफ डेटा सेट्स इस आपके ये स्मार्ट सर्च कर रहे हैं, हमें किस्म का स्मार्ट सर्च में आ रहे हैं आपके पास। अब जैसे मिसाल के तौर पे मैं कहती हूँ यहाँ पे कोई एक डेटा सेट में खोल के मैं जैसे आपको कहती हूँ ना डेटा की डिस्क्रिप्शन में देखना चाह रही हूँ, लाइक फॉर एग्जाम्पल कोई भी डेटा सेट है, मैं एनर्जी एफिशिएंसी का डेटा खोल लेती हूँ फॉर इंस्टेंस। अब ये देखिए मैंने जैसे मिसाल के तौर पर मैंने एक डेटा सेट खोल लिया। अब मैंने आपको क्या बताया था, जो डेटा डिस्क्रिप्शन का है ना, ये जो टेबल बना हुआ है ना पहला, ये डेटा डिस्क्रिप्शन का टेबल है जो आपको मुख्तलिफ इंफॉर्मेशन दे रहा है। जैसे मिसाल के तौर पे नंबर ऑफ वेब हिट्स का जो आखिरी, ये देखें आखिरी जो आपका नजर आ रहा है इसके आगे लिखा हुआ है 47,111 का एक फिगर मेंशन है। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है कि ये कितनी बार ये वाला डेटा सेट जो है ना वो डाउनलोड हुआ है, यानी कि इस ये डेटा सेट कितने लोगों ने अपने मुख्तलिफ एमएल पर्पसेस के लिए इसको जो है ना वो यूटिलाइज किया है, इसको एक्सेस किया है, सही है। देन नंबर ऑफ एट्रीब्यूट्स यहाँ पे आ रहे होंगे, नंबर ऑफ एट्रीब्यूट 6400, ओ माय गॉड, इसका क्या मतलब है कि दीज आर योर फीचर्स, हाउ मेनी फीचर्स आर देयर इन योर डेटा सेट, ठीक है, ओके। अब यहाँ पे देखें एक कॉलम है मिसिंग वैल्यूज, ठीक है, मिसिंग वैल्यूज का क्या मतलब है, अगर यहाँ पे लिखा हो ना जैसे लिखा हुआ है नो लिखा हुआ है, या यहाँ पे यस लिखा हुआ है, ठीक है, या नॉट एप्लीकेबल कुछ भी लिखा हुआ है, क्या मतलब है मिसिंग वैल्यूज का, कि यहाँ पे जो है चांस है कि किसी रो या कॉलम में एम्प्टी, कोई एम्प्टी सेल्स भी हो सकते हैं आपके पास, ठीक है, कोई इंफॉर्मेशन आपके पास मिसिंग भी हो सकती है। आपको पता है ना जब भी आप डेटा रिकॉर्ड कर रहे होते हैं वहां पे एरर्स के या ओमिशंस के चांसेस होते हैं, ये बात समझ रहे हैं आप, कोई सेल्स हो सकते हैं आपके पास एम्प्टी हो, जैसे सीरियल वाले डेटा में कुछ सेल किसको कहते हैं, सेल इज द इंटरेक्शन ऑफ योर रो एंड कॉलम, रो और कॉलम के इंटरसेक्शन पे जो एक चीज बनती है दैट इज अ सेल, ठीक है, तो कोई सेल ऐसे हो सकते हैं जो एम्प्टी हो, तो यहाँ पे क्या होगा मिसिंग वैल्यूज का क्या, अगर कोई है यस तो इसका क्या मतलब है कि वहां पे कोई डेटा मिस है। तो क्या करना होता है, जब भी कोई डेटा मिस होता है तो हमें उसको प्री प्रोसेसिंग के जरिए उसको कंप्लीट करना होता है, क्यों, क्योंकि हर एक डेटा पॉइंट का आपके कैलकुलेशन पे कोई इंपैक्ट पड़ रहा होता है, बिकॉज वी आर लर्निंग डेटा साइंस, ठीक है, तो डेटा जो है वो हमारी कोई ना कोई उसकी कैलकुलेशन में इफेक्ट कर रहा होता है, तो इसलिए वी नीड टू प्रोसेस अवर डेटा, वी नीड टू प्रोसेस और मिसिंग वैल्यूज एज वेल, ठीक है, तो अगर कोई वैल्यूज मिसिंग है तो हम उसको क्या करेंगे, हम उसको प्री प्रोसेस करेंगे और उसको क्या करेंगे, हम कंप्लीट करेंगे। आगे चलते हैं एट्रीब्यूट इंफॉर्मेशन। अब ये देखिए यहाँ पे आपको एट्रीब्यूट की इंफॉर्मेशन दे रहा है कि हर एक एट्रीब्यूट जो है वो क्या है, जैसे इमेज नम ये इंटीजर टाइप का है, ठीक है, ये नीचे जो आ रहे हैं इसका क्या मतलब है लेफ्ट आई पोजीशन, इसका क्या मतलब है नोज पोजीशन, यानी कि ये जितने एट्रीब्यूट्स हैं ना उनसे रिलेटेड आपको इंफॉर्मेशन दे रहा है यहाँ पे। अब अगर इसको डाउनलोड करना है आपने तो आप यहाँ पे डेटा फोल्डर में जाके इसको डाउनलोड भी कर सकते हैं, ठीक है, तो ये सारा वो चीज़ थी जो आपको पता होनी ज़रूरी थी। तो कुछ ऐसे डेटाज होते हैं जिसके अंदर कोई भी मिसिंग वैल्यू नहीं होती, दे आर ऑलरेडी वेरी सैनिटाइज, ठीक है, तो अब हम इसको खोलते हैं अपने पाइथन को, स्पाइडर को, और थोड़ी थोड़ी सी हम हल्की फुल्की सी कोडिंग करना शुरू करते हैं, चुन्नी मुन्नी सी, ठीक हो गया, ओके, ऑलराइट, सो यू आर हैविंग स्पाइडर स्क्रीन इन फ्रंट ऑफ यू, ठीक है, बहुत वास्ट है पाइथन, आपकी जो पाइथन मतलब
मुझे हालांकि माशाल्लाह शायद 2016 के एंड से मैं पाइथन पे लगी हुई हूँ, 17 से लगी हुई हूँ. स्टिल देर इज अ लॉट टू लर्न इन पाइथन. ठीक है, क्योंकि आप अंदाजा लगा लें 18, 19, 20, 21, ठीक है, ऑलमोस्ट इट्स बीन 4 ईयर्स, बट स्टिल देर इज अ लॉट ऑफ थिंग्स जो कि अभी भी मुझे लगता है कि मुझे बहुत कुछ एक्सप्लोर करना है इसमें. इतनी बड़ी ये जो है ना आपकी डेटा साइंस की, और ये पाइथन खासकर जो है ना फील्ड है. स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले आज हम अपने उसी को serial.csv जो है हमारा, उसको जो है हम इम्पोर्ट करते हैं सबसे पहले. ठीक है, तो हाँ जी, इसको हम सबसे पहले क्या करेंगे, अभी हम करने वाले हैं उस वाले डेटा सेट के साथ काम. तो सबसे पहला जो मेरा काम है वो मैंने एक लाइब्रेरी इम्पोर्ट करनी है जिस लाइब्रेरी के साथ हम काम करेंगे, दैट इज पांडास. ठीक है, इनाम सुना है किसी ने? अभी जब आप थोड़ा बहुत अपने पाइथन काम करना शुरू किया हो या इधर उधर कहीं नाम आपने सुना हो, तो ये एक पांडास की लाइब्रेरी होती है जो कि यूज होती है. और हम यहाँ पे, मैं क्या करने लगी हूँ, एज पीडी फॉर एग्जाम्पल, मैंने क्या कर दिया है, मैंने यहाँ पे एक लाइब्रेरी इंपोर्ट की है जिसका नाम है पांडा, और एलियस बना लिया. जैसे आप नहीं होते, किसी का बच्चे का नाम होता है कुरुतुलैन, तो आप कहते हैं यार कौन बार बार कुरुतुलैन करता रहेगा, हम उसका छोटा सा नाम रख देते हैं, उसका नाम कर देते हैं एनी. एनी करना हमें आसान है. तो हमने क्या कर दिया, हमने पांडास की लाइब्रेरी हमने इम्पोर्ट की है और हमने उसको जो है ना वो कर दिया, उसका नाम रख दिया हमने एक छोटा सा, एक एलियस बना दिया उसको, हमने क्या कह दिया, पीडी. ठीक है, शॉर्ट नेम रख दिए. क्यों? ताकि हम जब इसको बार बार बाद में यूज करें तो हमें जो है ना वो बार बार पूरी पूरी लाइब्रेरी को जो है ना वो नाम जो है ना वो करना पड़ रहा हो. तो इट्स अ लाइब्रेरी निक नेम रख दिया, बिल्कुल हमने पीडी इसका नाम रख दिया. और हम क्या करना चाह रहे हैं, हम बेसिकली आज डेटा फ्रेम्स में काम करना चाह रहे हैं जिसकी वजह से हमने ये लाइब्रेरी जो है ना वो हमने इम्पोर्ट की है. डेटा फ्रेम्स बेसिकली आपके होते हैं डेटा स्ट्रक्चर्स. ये क्या कर रहे होते हैं, ये वो डेटा स्ट्रक्चर हैं जो आपके डेटा सेट की हैंडलिंग को आसान करते हैं. ठीक है, यानी कि जो डेटा सेट है ना आपका रोज और कॉलम की फॉर्म में, ये जो अभी हमने जिसको हमने इंपोर्ट करना है, जो सीरियल का डेटा सेट है, उसको हम डेटा सेट को हम एज अ डेटा फ्रेम इसके अंदर लेके आएंगे, एज अ डेटा स्ट्रक्चर. ठीक है, फिर उसको हम आगे यूज करेंगे. तो अभी हमने क्या करना है, हमने वो जो डेटा सेट है उसका हमने डेटा फ्रेम जो है ना हमने एक डिजाइन करना है. तो हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे, आप डेटा फ्रेम बनाने वाले हैं. तो डेटा सेट इज इक्वल टू pd. ठीक है, अब हमने क्या करनी है, फाइल रीड करनी है. रीड कौन सी फाइल करनी है, हमने रीड करनी है अपनी csv फाइल. ठीक है, अब यहां पे हमने क्या देना है, हमने उसका पाथ देना है. ठीक है, अब उसका पाथ देखती हूं मैं, मेरा पाथ कौन सा है, पाथ इसका है जनाब, ठीक है. आपको पता है इसको रन करने के लिए आप F5 यूज कर सकते हैं, या आप इसके लिए आप इसका ये वाला बटन जो है ना प्रेस कर सकते हैं, ये और इसका ये आउटपुट कंसोल है, यहाँ पे मुझे वो रिजल्ट्स दिखाएगा. ठीक है, उसके बाद मैं आगे चलती हूँ. अब मैंने यहाँ पे जो है उसको पाथ देके मैंने डेटा सेट जो है वो मैंने अपना एक इम्पोर्ट कर लिया. ठीक है, मैंने अब उसके डेटा सेट के अंदर मेरा क्या आ गया, वो मेरी पूरा डेटा सेट आ गया, वो जो पूरा वो जो csv फाइल थी वो मेरी इस वाले डेटा फ्रेम के अंदर आ गई. डेटा सेट के नाम से मेरा क्या हो गया, एक डेटा फ्रेम बन गया. ठीक है, अब मैंने आगे क्या करना है, आगे मैं अगर मैं करके देखूं, जैसे मिसाल के तौर पे मैं इस डेटा फ्रेम को या डेटा सेट को जो है मैं इसका नाम है डेटा सेट, अगर मैं प्रिंट कराऊं, ठीक है, तो प्रिंट कराऊं तो ये क्या करेगा, अभी देखें उसने पूरा डेटा सेट जो है ना मुझे प्रिंट कर दिया. ये देखें, ये पूरा डेटा सेट जो है ना उसने मुझे प्रिंट कर दिया सारे का सारा. ये जो देखें आप, ये क्या है, ये जो फर्स्ट वाला कॉलम है ये क्या शो कर रहा है, दीज आर रो नंबर्स. ठीक है, सेकंड रो, फर्स्ट रो, थर्ड रो, फिफ्थ रो, सेवंथ रो, अप टू सो ऑन. ठीक है, अच्छा, उसके बाद अगर मैं चाह रही हूँ,
अगर मैं ये चाह रही हूँ कि मैं डेटा की डिस्क्रिप्शन देखना चाह रही हूँ, ठीक है, इसके अंदर जो जैसे हमने कहा नहीं था कि हम डेटा को डिस्क्रिप्शन देखना चाह रहे हैं, तो मैं क्या करूँ, प्रिंट डेटा सेट डॉट डिस्क्राइब का फंक्शन लगाते हैं इसके साथ, और इसको हम करते हैं रन। अब ये देखें उसने पूरे डेटा सेट को क्या कर दिया, मुझे डिस्क्राइब करके दे दिया, ठीक है, कि क्या मतलब है इस डेटा सेट का, ठीक है। जैसे मिसाल के तौर पे आप यहां पे देखें, आप यहां पे देखें क्या कह रहा है वो कि कैलोरीज यहां पे जो है वो काउंट का क्या मतलब है, काउंट का क्या मतलब है, क्या कह रहे हैं यहां पे, काउंट का मतलब है कि ये कितने नंबर ऑफ यहां पे जो है वो रोज हैं, ठीक है, काउंट क्या कह रहा है, कितने नंबर ऑफ रोज हैं, सही। और मीन बता रहा है आपको कैलोरीज का मीन, स्टैंडर्ड डेविएशन, कितने नंबर ऑफ 160 जो है हमारे पास कैलोरीज का मैक्सिमम कैलोरीज जो है ना 160 हैं, ठीक है। इसी तरह हमारे पास ये देखें रेटिंग का भी, मैक्सिमम रेटिंग याद है ना क्या बताया था, मैक्सिमम रेटिंग किसी की जो आ रही थी वो क्या थी, 93.0 समथिंग, ठीक है। तो ये क्या किया उसने, मुझे पूरे डेटा को डिस्क्राइब कर दिए। आपको पता है कमेंटिंग के लिए क्या यूज करते हैं यहाँ पे, हैश साइन। अच्छा, अब अगर मैं ये चाहती हूँ, मैं देखूँ कि अपना एक कॉलम प्रिंट करके देखती हूँ मैं, जैसे फॉर एग्जांपल मैं करती हूँ प्रिंट कर दो जी मुझे मेरे डेटा फ्रेम में कैलोरीज का कॉलम, ये देखें उसने मुझे क्या प्रिंट करके दिया है, ये मुझे कैलोरीज वाला जो कॉलम है ना उसने मुझे प्रिंट करके दे दिया, किधर गया ये कैलोरीज का कॉलम उसने मुझे प्रिंट करके दे दिया, ठीक है। अब अगर मैं ये वाली स्टेटमेंट, इसको मैं किसी और तरह भी लिख सकती हूँ, लाइक फॉर एग्जांपल इफ आई ट्राई डेटा सेट डॉट, क्योंकि मेरा ये बन गया ना डेटा फ्रेम, तो मैं अगर ये करती हूँ इसको डॉट करके कैलोरीज, लेट्स सी व्हाट हैपेंस, आई गेस वी कैन डू इट लाइक दिस। यस, हमने क्या किया, इसको डेटा सेट के साथ हमने कैलोरीज, और इसने सेम ये वाली स्टेटमेंट और ये वाली स्टेटमेंट, इट्स वर्किंग इन द सेम मैनर, राइट। अब अगर मैं चाह रही हूं कि मैं दो कॉलम्स प्रिंट करना चाहूँ, प्रिंट कर दो जी मुझे डेटा फ्रेम के अंदर मौजूद, एक तो मुझे प्रिंट कर दो। अच्छा, आपको पता ना लिस्ट के अंदर लिस्ट भी हम पास कर सकते हैं, डेटा सेट के सॉरी लिस्ट के अंदर हम लिस्ट भी दे सकते हैं, ठीक है। तो अगर मैं ये करूं यहाँ पे कि डेटा सेट के अंदर आप मेरे लिए ये कर दें सर जी के ये कर दें के मुझे आपने देना है एक तो कैलोरीज और एक मुझे आपने देना है उसका नेम, ठीक है। तो लेट्स सी व्हाट इट अनएक्सपेक्टेड एंड ऑफ फाइल क्या आ गया इसके एंड में, ओके मैंने मेरा ख्याल है कुछ ज्यादा ही ब्रैकेट्स लगा दी हैं, ओके मैंने कम लगाई हैं, ऑब्जेक्ट इज नॉट कॉलेबल डेटा सेट, अच्छा कुछ ब्रैकेट्स का मसला मैंने किया है, ये देखें, ठीक है। अब यहाँ पे मैंने क्या किया कि मुझे कैलोरीज के साथ उनके उन सीरियल्स के नाम दे दो, ठीक है। तो इसने क्या किया, कैलोरीज यानी कि 100% ब्रांड में कितने कैलोरीज हैं, 100% नेचुरल ब्रांड में कितने कैलोरीज हैं, 100 ऑल ब्रांड में कितनी कैलोरीज हैं। इफ आई से कि मुझे वो वाले रोज दिखा दो भाईजान कि जहां पे कैलोरीज जो हैं लेट सपोज 75 से कम है, ठीक है। नाउ व्हाट टू डू, आई नीड टू डू व्हाट डेटा सेट, उसी तरह से डेटा सेट डॉट करके कर लेते हैं कैलोरीज इज शॉर्टर देन 75 फॉर एग्जांपल, ठीक है। तो अब इसने क्या किया, ये देखें ये मुझे इसने वो वाली रोज रिटर्न की है जहां पे कैलोरीज जो हैं वो 75 से कम है, आर यू गेटिंग माय पॉइंट। और यहां पे देखें कॉलम, पहले वाला जो कॉलम है वो क्या शो कर रहा था, नंबर ऑफ रो आईडी, तो ये कहां कहां किस किस रो पे ये 70 से कम है, ये है सॉरी 75 से कम है, 0th रो, 2 रो, 3 नंबर रो, 54 55। अच्छा, नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड अहेड। अब आई नीड टू एड सम मोर कि मैं चाह रही हूँ कि जहाँ पे कैलोरी 75 से कम है ना, मुझे उन वाले सीरियल्स के नाम प्रिंट कर दो भाईजान,
ठीक है मैं क्या करूंगी, इसी को चेंज कर लेते हैं, यहाँ पे मैं कह देती हूँ भाई नाम भी दे दो मुझे। तो ये मुझे क्या करेगा, ये देखें, जिधर जिधर कैलोरी 75 से कम है उसको मैंने क्या कहा है कि मुझे नाम प्रिंट कर दो, उसने मुझे क्या कर दिया है, उनके नाम प्रिंट कर दिए। ठीक है, नाउ आई एड वन, इफ आई ई क्या करूँ, मैं थोड़ा सा चैलेंज और ऐड करूँ कि मैं कहती हूँ मुझे ऐसे रोज प्रिंट करके दो जहाँ पे फैट जो है वो 1 से कम हो और 75 से कम कैलोरीज हो, मुझे उन वाले जो ब्रांड्स हैं, ओ सॉरी, उन वाले सीरियल्स के नाम प्रिंट करके दो। तो लेट सपोज इफ आई राइट क्यूरी लाइक डेटा सेट, इसमें मैं करती हूँ डेटा सेट डॉट कैलोरीज 75, ऑलराइट, एंड डेटा सेट डॉट फैट ओजी 1 से कम, और क्या मैं चाह रही हूँ, मैं चाह रही हूँ जनाब के मुझे उसका प्रिंट करके दो नाम, उन सीरियल का नाम प्रिंट करके दो। लाउट्स नाउ लेट सी व्हाट डज इट डू। लो अल्हम्दुलिल्लाह, इसने क्या कर दिया, देखें अब मुझे क्या किया है कि जिन जिन सीरियल्स के कैलोरी 75 से कम है, फैट 1 से कम है, उसने मुझे उनके नाम प्रिंट करके दे दिए। देन व्हाट इफ आई से कि मुझे सम कर दो उनको, उन कैलोरीज को जहां पे सम, जैसे फॉर एग्जांपल 100 से कम है कैलोरीज, ठीक है, व्हाट डू आई डू, प्रिंट करती हूँ डेटा सेट डॉट कैलोरीज जहाँ पे 100 से कम है उनको, भाईजान मेरे लिए आप क्या करते हैं, आप उनको मेरे लिए सम करते हैं। ये ठीक है, इसने मुझे सम कर दिया।